हे फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्पाइडरमैन होम कमिंग मूवी के बारे में। तो फ्रेंड्स, इस मूवी की आईएमडीबी रेटिंग के बारे में बात करें तो फ्रेंड्स, इस मूवी को आईएमडीबी ने 7.4 आउट ऑफ 10 रेटिंग दिया है और इसे 82% गूगल यूजर्स ने भी लाइक किया है। तो फ्रेंड्स, स्पाइडरमैन होम कमिंग ये 2017 की अमेरिकन सुपर हीरो फिल्म जो कि बेस्ड है मार्वल कॉमिक पर सेम कैरेक्टर स्पाइडरमैन पर। तो फ्रेंड्स, इस मूवी को डायरेक्ट किए हैं जॉन वॉट्स और इस मूवी को में स्क्रीन प्ले दिए हैं जॉन थन गोल्डस्टीन, जॉन फ्रांसिस डेली, जॉन वॉट्स, क्रिस्टोफर फॉर्ड, क्रिस मैककेनन, इर्क सॉमर्स और इस मूवी में स्टोरेज दिए हैं जॉन थन गोल्डस्टीन, जॉन फ्रांसिस डेली और ये मूवी बेस्ड है स्पाइडरमैन जो कि स्टेली स्टीव डिटको की है और इस मूवी को प्रोड्यूस किए हैं केविन फोएग, फेजी, एमी पास्केल और इस मूवी की स्टारिंग है टॉम हॉलैंड, माइकल कीटन, जॉन फेवरियो, ग्विनेथ पाल्ट्रो, जेंडाया, डोनाल्ड ग्लोवर, जैकोब बैटलॉन, लॉरा हैरियर, टोनी रेवोलोरी, बुकिम वर्ल्डबाइन, टाइन डेली, मैरसा टोमी, रॉबर्ट डॉन जूनियर और इस मूवी को सिनेमेटोग्राफी किए हैं सेल्वेटोर टोटिनो और इस मूवी को एडिट किए हैं डैन लेबेंटेल, डेबी बर्मन और इस मूवी में म्यूजिक दिए हैं माइकल गियाचिनो और इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी है कोलंबिया पिक्चर्स, मार्वल स्टूडियोज, पास्केल पिक्चर्स और इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट की है सोनी पिक्चर्स रिलीजिंग और ये मूवी 28 जून 2017 को हॉलीवुड में रिलीज हुई और 7 जुलाई 2017 को यूनाइटेड स्टेट्स में रिलीज हुई और इसका रनिंग टाइम रहा 133 मिनट्स और ये यूनाइटेड स्टेट्स की इंग्लिश लैंग्वेज वाली मूवी है जो कि $175 मिलियन में बनी और इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन $880.2 मिलियन रहा। तो फ्रेंड्स, इस मूवी के कास्ट के बारे में बात करें तो फ्रेंड्स, हमें इस मूवी में टॉम हॉलैंड एज पीटर पार्कर और स्पाइडरमैन के रोल में नजर आए और माइकल कीटन एज एड्रिन टोमेस और वल्चर के रोल में नजर आए और जॉन फेवरियो एज हैप्पी हॉगन के रोल में और ग्विनेथ पैल्ट्रो एज पीपर पोट्स के रोल में और जिंडाया एज मिकेला के रोल में और डोनाल्ड ग्लोवर एज एरोन डेविस के रोल में और जैकोब बैटलॉन एज नेट के रोल में और लॉरा हैरियर एज लीज के रोल में और टोनी रिवॉलरी एज फ्लैश के रोल में और बुकिम वुडबाइन एज हर्मन स्कल्ट्स और सॉकर के रोल में और टाइनी डेली एज एनी मैरी होज के रोल में और मैरिसा टॉमी एज मे पार्कर के रोल में और रॉबर्ट डॉनी जूनियर एज टोनी स्टार्क और आयरन मैन के रोल में। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसे लग रही है? अगर अच्छी लग रही है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और बुरी लग रही है तो ज़रूर डिसलाइक कर सकते हैं। तो चलिए इस मूवी की स्टोरी के बारे में जानते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि मैं आपको इस मूवी का टोटल स्टोरी इस वीडियो में नहीं बताने वाला हूं। तो फ्रेंड्स, स्टोरी स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, 2012 में न्यूयॉर्क की लड़ाई के बाद एड्रियन टोमस और उनकी बचाव कंपनी को शहर को साफ करने के लिए अनुबंधित किया गया है लेकिन उनके संचालन को नुकसान नियंत्रित विभाग DODS द्वारा लिया गया है जो टोनी स्टार्क और औरों के बीच एक साझेदारी है। अमेरिकी सरकार व्यवसाय से बाहर किए जाने पर क्रोधित टॉम्स ने अपने कर्मचारियों को चितौरी तकनीकी को रखने के लिए राजी किया जिसे वे पहले से ही परिमार्जन कर चुके हैं और इसका उपयोग उन्नति हथियार बनाने और बेचने के लिए करते हैं जिसमें एक उड़ने वाला गिद्ध सूट भी शामिल है। इसका उपयोग टॉम्स चितौरी बिजली कोशिकाओं को चुराने के लिए करता है। 8 साल बाद पीटर पार्कर को बर्लिन में एक आंतरिक विवाद में मदद करने के लिए स्टार्क द्वारा एवेंजर्स में शामिल किया गया है लेकिन मिडटाउन स्कूल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में अपनी पढ़ाई फिर से शुरू करता है जब स्टार्क उससे बताता है कि वह अभी तक नहीं है कि एक पूर्ण बदला लेने वाले बनने के लिए तैयार। पार्कर स्पाइडरमैन के रूप में अपने अपराध से लड़ने वाली गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए अधिक समय बिताने के लिए अपने स्कूल की शैक्षणिक डेक्टाथलॉन टीम छोड़ देता है। उसका सबसे अच्छा दोस्त नेड अतः उसकी गुप्त पहचान का पता लगाता है। पार्कर टूम्स के सहयोगियों जैक्सन ब्राइस सॉकर और हर्मन सुल्तस को स्थानीय अपराधी ऑरन डेविस को हथियार बेचते हुए देखता है। पार्कर डेविस को गिद्ध के सूट में टॉम्स द्वारा पकड़े जाने से पहले बचाता है और एक झील में गिरा दिया जाता है जो उसके सूट में बने पैरासूट में उलझने के बाद
लगभग डूब जाता है। उसे स्टार्क द्वारा बचाया जाता है, जो पार्कर को दिए गए स्पाइडरमैन सूट की निगरानी कर रहा है और उसे अपराधियों के साथ आगे की भागीदारी के खिलाफ चेतावनी देता है। टूम्स गलती से ब्राइस को उनके एक हथियार से मार देता है और सुल्तस नया शॉकर बन जाता है। पार्कर और नेड एक साथ हथियार का अध्ययन करते हैं जो ब्राइस ने पीछे छोड़ दिया, जिससे उसका परिवार हटा दिया गया। जब सुल्तस पर एक ट्रैकिंग डिवाइस मैरीलैंड की ओर जाता है तो पार्कर डेक्थलॉन टीम में फिर से शामिल हो जाता है और उनके साथ उनके राष्ट्रीय टूर्नामेंट के लिए वाशिंगटन डीसी जाता है। नेड और पार्कर स्पाइडरमैन सूट में लगाए गए ट्रैकर स्टोर को अक्षम करते हैं और इसकी उत्तरित सुविधाओं को अनलॉक करते हैं। पार्कर टूम्स को डीओडी स्ट्रक से हथियार चोरने से रोकने की कोशिश करता है, लेकिन अंदर ही फंस जाता है, जिससे वो डेक्थलॉन टूर्नामेंट से चूक जाता है। जब उसे पता चलता है कि पावर कोर एक स्थिर चित्तौर ग्रेनेड है, तो वह वाशिंगटन स्मारक के लिए दौड़ता है, जहां कोर फट जाता है और नेड और उनके दोस्त को एक लिफ्ट में फंसा देता है। पार्कर उन्हें बचाता है, जिसमें उसका सहपाठी भी शामिल है, और लीज को कुचल देता है। कुछ दिनों बाद न्यूयॉर्क शहर में पर्स स्वार्टेंट आइलैंड फेरी पार्कर टॉम्स के नए खरीदार मैक गॉर्गन को पकड़ लेता है, लेकिन टॉम्स भाग जाता है और एक खराब हथियार फेरी को आधा कर देता है। स्टॉर्क यात्रियों को बचाने में पार्कर की मदद करता है और उसकी लापरवाही के लिए सजा के रूप में उसका मुकदमा जब्त कर लेता है। तो फ्रेंड्स, आगे की स्टोरी जानने के लिए आपको स्पाइडरमैन होमकमिंग इस मूवी को देखना होगा। तो फ्रेंड्स, अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हैं तो फ्रेंड्स ये अमेज़ॉन प्राइम पर अवेलेबल है, बट आपको इस मूवी को देखने के लिए 69 रुपीज़ पे करना होगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस कर ऑल को सेलेक्ट कर सकते हैं, जिससे हमारे आने वाली हर एक नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे और आप हमारे चैनल से जुड़े रहें और हमारे वीडियो में बने रहें। और फ्रेंड्स, आप हमारे वीडियो को अंत तक जरूर देखें और हमारे वीडियो को देखते रहें। हे फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्पाइडरमैन होमकमिंग मूवी के बारे में। तो फ्रेंड्स, इस मूवी की आईएमडीबी रेटिंग के बारे में बात करें तो फ्रेंड्स, इस मूवी को आईएमडीबी ने 7.4 out of 10 रेटिंग दिया है और इसे 82% गूगल यूजर्स ने भी लाइक किया है। तो फ्रेंड्स, स्पाइडरमैन होमकमिंग ये 2017 की अमेरिकन सुपर हीरो फिल्म, जो कि बेस्ड है मार्वल कॉमिक पर सेम कैरेक्टर स्पाइडरमैन पर। तो फ्रेंड्स, इस मूवी को डायरेक्ट किए हैं जॉन वॉट्स और इस मूवी को में स्क्रीन प्ले दिए हैं जॉनथन गोल्डस्टीन, जॉन फ्रांसिस डेले, जॉन वॉट्स, क्रिस्टोफर फॉर्ड, क्रिस मैककेनन, इर्क सॉमर्स और इस मूवी में स्टोरी दिए हैं जॉनथन गोल्डस्टीन, जॉन फ्रांसिस डेले और ये मूवी बेस्ड है स्पाइडरमैन जो कि स्टेली स्टीव डिटको की है और इस मूवी को प्रोड्यूस किए हैं केविन फोएग, फेजी एमी पास्केल और इस मूवी की स्टारिंग है टॉम हॉलैंड, माइकल कीटन, जॉन फेवरियो, ग्विनेथ पाल्ट्रो, जेंडाया, डोनाल्ड ग्लोवर, जैकोब बैटलॉन, लॉरा हैरियर, टोनी रेवोलोरी, बुकिम वर्डबाइन, टाइन डेली, मैरसा टोमी, रॉबर्ट डॉन जूनियर और इस मूवी को सिनेमेटोग्राफी किए हैं सेल्वेटोर टोटिनो और इस मूवी को एडिट किए हैं डैन लेबेंटेल, डेबी बर्मन और इस मूवी में म्यूजिक दिए हैं माइकल गियाचिनो और इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी है कोलंबिया पिक्चर्स, मार्वल स्टूडियोज, पास्केल पिक्चर्स और इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट की है सोनी पिक्चर्स रिलीजिंग और ये मूवी 28 जून 2017 को हॉलीवुड में रिलीज़ हुई और 7 जुलाई 2017 को यूनाइटेड स्टेट्स में रिलीज़ हुई और इसका रनिंग टाइम रहा 133 मिनट्स और ये यूनाइटेड स्टेट्स की इंग्लिश लैंग्वेज वाली मूवी है जो कि $175 मिलियन में बनी और इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन $880.2 मिलियन रहा। तो फ्रेंड्स, इस मूवी के कास्ट के बारे में बात करें तो फ्रेंड्स, हमें इस मूवी में टॉम हॉलैंड एज पीटर पार्कर और स्पाइडरमैन के रोल में नज़र आए और माइकल कीटन एज एड्रिन टोमेस और वल्चर के रोल में नज़र आए और जॉन फेवरियो एज हैप्पी हॉगन के रोल में और ग्विनेथ पैल्ट्रो एज पीपर पोट्स के रोल में और जिंडाया एज मिकेला के रोल में और डोनाल्ड ग्लोवर एज एरोन डेविस के रोल में और जैकोब बैटलॉन एज नेड के रोल में और लॉरा हैरियर एज लीज के रोल में और टोनी रिवॉलरी एज फ्लैश के रोल में और बुकिम वुडबाइन एज हर्मन स्कल्ट्स और सॉकर के रोल में और
टाइनी डेली एस एनी मैरी होइज के रोल में और मैरिसा टॉमी एस मे पार्कर के रोल में और रॉबर्ट डॉनी जूनियर एस टोनी स्टार्क और आयरन मैन के रोल में। तो फ्रेंड्स आपको ये वीडियो कैसी लग रही है? अगर अच्छी लग रही है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और बुरी लग रही है तो ज़रूर डिसलाइक कर सकते हैं। तो चलिए इस मूवी की स्टोरी के बारे में जानते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि मैं आपको इस मूवी का टोटल स्टोरी इस वीडियो में नहीं बताने वाला हूं। तो फ्रेंड्स स्टोरी स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स 2012 में न्यूयॉर्क की लड़ाई के बाद एंड्रियन टोमस और उनकी बचाव कंपनी को शहर को साफ करने के लिए अनुबंधित किया गया है, लेकिन उनके संचालन को नुकसान नियंत्रित विभाग DODS द्वारा लिया गया है, जो टोनी स्टार्क और ओरो के बीच एक साझेदारी है। अमेरिकी सरकार व्यवसाय से बाहर किए जाने पर क्रोधित टॉम्स ने अपने कर्मचारियों को चितौरी तकनीकी को रखने के लिए राजी किया, जिसे वे पहले से ही परिमार्जन कर चुके हैं और इसका उपयोग उन्नति हथियार बनाने और बेचने के लिए करते हैं, जिसमें एक उड़ने वाला गिद्ध सूट भी शामिल है। इसका उपयोग टॉम्स चितौरी बिजली कोशिकाओं को चुराने के लिए करता है। 8 साल बाद पीटर पार्कर को बर्लिन में एक आंतरिक विवाद में मदद करने के लिए स्टार्क द्वारा एवेंजर्स में शामिल किया गया है, लेकिन मिडटाउन स्कूल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में अपनी पढ़ाई फिर से शुरू करता है जब स्टार्क उससे बताता है कि वह अभी तक नहीं है कि एक पूर्ण बदला लेने वाले बनने के लिए तैयार। पार्कर स्पाइडरमैन के रूप में अपने अपराध से लड़ने वाली गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए अधिक समय बिताने के लिए अपने स्कूल की शैक्षणिक डेक्टाथलॉन टीम छोड़ देता है। उसका सबसे अच्छा दोस्त नेड अतः उसकी गुप्त पहचान का पता लगाता है। पार्कर टूम्स की सहयोगियों जैक्सन ब्राइस सॉकर और हरमन सुल्तस को स्थानीय अपराधी ऑरन डेविस को हथियार बेचते हुए देखता है। पार्कर डेविस को गिद्ध के सूट में टॉम्स द्वारा पकड़े जाने से पहले बचाता है और एक झील में गिरा दिया जाता है, जो उसके सूट में बने पैरासूट में उलझने के बाद लगभग डूब जाता है। उसे स्टार्क द्वारा बचाया जाता है, जो पार्कर को दिए गए स्पाइडरमैन सूट की निगरानी कर रहा है और उसे अपराधियों के साथ आगे की भागीदारी के खिलाफ चेतावनी देता है। टूम्स गलती से ब्राइस को उनके एक हथियार से मार देता है और सुल्तस नया सॉकर बन जाता है। पार्कर और नेड एक साथ हथियार का अध्ययन करते हैं जो ब्राइस ने पीछे छोड़ दिया, जिससे उसका परिवार हटा दिया गया। जब सुल्तस पर एक ट्रैकिंग डिवाइस मैरीलैंड की ओर जाता है तो पार्कर डेक्थलॉन टीम में फिर से शामिल हो जाता है और उनके साथ उनके राष्ट्रीय टूर्नामेंट के लिए वाशिंगटन DC जाता है। नेड और पार्कर स्पाइडरमैन सूट में लगाए गए ट्रैकर स्टार को अक्षम करते हैं और इसकी उत्तरित सुविधाओं को अनलॉक करते हैं। पार्कर टूम्स को DOD ट्रक से हथियार चुराने से रोकने की कोशिश करता है, लेकिन अंदर ही फंस जाता है, जिससे वो डेक्टोसोलन टूर्नामेंट से चूक जाता है। जब उसे पता चलता है कि पावर कोर एक स्थिर चित्तौर ग्रेनेड है तो वह वाशिंगटन स्मारक के लिए दौड़ता है, जहां कोर फट जाता है और नेड और उनके दोस्त को एक लिफ्ट में फंसा देता है। पार्कर उन्हें बचाता है, जिसमें उसका सहपाठी भी शामिल है, और लीज को कुचल देता है। कुछ दिनों बाद न्यूयॉर्क शहर में स्वार्टेंट आइलैंड फेरी पार्कर टॉम्स के नए खरीदार मैक गॉर्गन को पकड़ लेता है, लेकिन टॉम्स भाग जाता है और एक खराब हथियार फेरी को आधा कर देता है। स्टॉर्क यात्रियों को बचाने में पार्कर की मदद करता है और उसकी लापरवाही के लिए सजा के रूप में उसका मुकदमा जब्त कर लेता है। तो फ्रेंड्स आगे की स्टोरी जानने के लिए आपको स्पाइडरमैन होमकमिंग इस मूवी को देखना होगा। तो फ्रेंड्स अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हैं तो फ्रेंड्स ये अमेज़ॉन प्राइम पर अवेलेबल है, बट आपको इस मूवी को देखने के लिए 69 रुपीज़ पे करना होगा। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस कर ऑल को सेलेक्ट कर सकते हैं, जिससे हमारे आने वाली हर एक नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे और आप हमारे चैनल से जुड़े रहें और हमारे वीडियो में बने रहें। और फ्रेंड्स आप हमारे वीडियो को अंत तक जरूर देखें और हमारे वीडियो को देखते रहें। हे फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्पाइडरमैन होमकमिंग मूवी के बारे में। तो फ्रेंड्स इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में बात करें तो फ्रेंड्स इस मूवी को IMDb ने 7.4 आउट ऑफ 10 रेटिंग दिया है और इसे 82% गूगल यूजर्स ने भी लाइक किया है। तो फ्रेंड्स स्पाइडरमैन होमकमिंग ये
2017 की अमेरिकन सुपर हीरो फिल्म जो कि बेस्ड है मार्वल कॉमिक पर सेम कैरेक्टर स्पाइडरमैन पर। तो फ्रेंड्स इस मूवी को डायरेक्ट किए हैं जॉन वॉट्स और इस मूवी को में स्क्रीन प्ले दिए हैं जॉन थन गोल्डस्टीन, जॉन फ्रांसिस डेले, जॉन वॉट्स, क्रिस्टोफर फॉर्ड, क्रिस मैककेनन, इर्क सॉमर्स और इस मूवी में स्टोरेज दिए हैं जॉन थन गोल्डस्टीन, जॉन फ्रांसिस डेले और ये मूवी बेस्ड है स्पाइडरमैन जो कि स्टेली स्टीव डिटको की है और इस मूवी को प्रोड्यूस किए हैं केविन फोएग फेजी एमी पास्केल और इस मूवी की स्टारिंग है टॉम हॉलैंड, माइकल केटिन, जॉन फेवरियो, ग्विनेथ पाल्ट्रो, जेंडाया, डोनाल्ड ग्लोवर, जैकोब बैटलॉन, लॉरा हैरियर, टोनी रेवोलोरी, बुकिम वर्ल्डबाइन, टाइन डेली, मैरसा टोमी, रॉबर्ट डॉन जूनियर और इस मूवी को सिनेमेटोग्राफी किए हैं सेल्वेटोर टोटिनो और इस मूवी को एडिट किए हैं डैन लेबेंटेल, डेबी बर्मन और इस मूवी में म्यूजिक दिए हैं माइकल गियाचिनो और इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी है कोलंबिया पिक्चर्स, मार्वल स्टूडियोज, पास्केल पिक्चर्स और इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट की है सोनी पिक्चर्स रिलीजिंग और ये मूवी 28 जून 2017 को हॉलीवुड में रिलीज़ हुई और 7 जुलाई 2017 को यूनाइटेड स्टेट्स में रिलीज़ हुई और इसका रनिंग टाइम रहा 133 मिनट्स और ये यूनाइटेड स्टेट्स की इंग्लिश लैंग्वेज वाली मूवी है जो कि $175 मिलियन में बनी और इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन $880.2 मिलियन रहा। तो फ्रेंड्स इस मूवी की कास्ट के बारे में बात करें तो फ्रेंड्स हमें इस मूवी में टॉम हॉलैंड एज पीटर पार्कर और स्पाइडरमैन के रोल में नज़र आए और माइकल कीटन एज एड्रिन टोमेस और वल्चर के रोल में नज़र आए और जॉन फेवरियो एज हैप्पी हॉगन के रोल में और ग्विनेथ पैल्ट्रो एज पीपर पोट्स के रोल में और जिंडाया एज मिकेला के रोल में और डोनाल्ड ग्लोवर एज एरोन डेविस के रोल में और जैकोब बैटलॉन एज नेट के रोल में और लॉरा हैरियर एज लीज के रोल में और टोनी रिवॉलरी एज फ्लैश के रोल में और बुकिम वुडबाइन एज हेयरमैन स्कल्ट्स और सॉकर के रोल में और टाइनी डेली एज एनी मैरी होज के रोल में और मैरिसा टॉमी एज मे पार्कर के रोल में और रॉबर्ट डॉनी जूनियर एज टोनी स्टार्क और आयरन मैन के रोल में। तो फ्रेंड्स आपको ये वीडियो कैसी लग रही है? अगर अच्छी लग रही है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और बुरी लग रही है तो ज़रूर डिसलाइक कर सकते हैं। तो चलिए इस मूवी की स्टोरी के बारे में जानते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि मैं आपको इस मूवी का टोटल स्टोरी इस वीडियो में नहीं बताने वाला हूं। तो फ्रेंड्स स्टोरी स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स 2012 में न्यूयॉर्क की लड़ाई के बाद एड्रियन टोमस और उनकी बचाव कंपनी को शहर को साफ करने के लिए अनुबंधित किया गया है लेकिन उनके संचालन को नुकसान नियंत्रित विभाग DODS द्वारा लिया गया है जो टोनी स्टार्क और ओरो के बीच एक साझेदारी है। अमेरिकी सरकार व्यवसाय से बाहर किए जाने पर क्रोधित टॉम्स ने अपने कर्मचारियों को चितौरी तकनीकी को रखने के लिए राजी किया जिसे वे पहले से ही परिमार्जन कर चुके हैं और इसका उपयोग उन्नति हथियार बनाने और बेचने के लिए करते हैं जिसमें एक उड़ने वाला गिद्ध सूट भी शामिल है जिसका उपयोग टॉम्स चितौरी बिजली कोशिकाओं को चुराने के लिए करता है। 8 साल बाद पीटर पार्कर को बर्लिन में एक आंतरिक विवाद में मदद करने के लिए स्टार्क द्वारा एवेंजर्स में शामिल किया गया है लेकिन मिडटाउन स्कूल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में अपनी पढ़ाई फिर से शुरू करता है जब स्टार्क उससे बताता है कि वह अभी तक नहीं है कि एक पूर्ण बदला लेने वाले बनने के लिए तैयार। पार्कर स्पाइडरमैन के रूप में अपने अपराध से लड़ने वाली गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए अधिक समय बिताने के लिए अपने स्कूल की शैक्षणिक डेक्टाथलॉन टीम छोड़ देता है। उसका सबसे अच्छा दोस्त नेड अतः उसकी गुप्त पहचान का पता लगाता है। पार्कर टूम्स के सहयोगियों जैक्सन ब्राइस सॉकर और हरमन सुल्तस को स्थानीय अपराधी ओरन डेविस को हथियार बेचते हुए देखता है। पार्कर डेविस को गीत के सूट में टॉम्स द्वारा पकड़े जाने से पहले बचाता है और एक झील में गिरा दिया जाता है जो उसके सूट में बने पैरासूट में उलझने के बाद लगभग डूब जाता है। उसे स्टार्क द्वारा बचाया जाता है जो पार्कर को दिए गए स्पाइडरमैन सूट की निगरानी कर रहा है और उसे अपराधियों के साथ आगे की भागीदारी के खिलाफ चेतावनी देता है। टूम्स गलती से ब्राइस को उनके एक हथियार से मार देता है और सुल्तस नया सॉकर बन जाता है। पार्कर और नेड एक साथ हथियार का अध्ययन करते हैं जो ब्राइस ने पीछे छोड़ दिया जिससे उसका परिवार कोर हट
दिया हटा दिया गया। जब सुल्तस पर एक ट्रैकिंग डिवाइस मैरीलैंड की ओर जाता है तो पार्कर डेकथलॉन टीम में फिर से शामिल हो जाता है और उनके साथ उनके राष्ट्रीय टूर्नामेंट के लिए वाशिंगटन DC जाता है। नेड और पार्कर स्पाइडरमैन सूट में लगाए गए ट्रैकर स्टॉर को अक्षम करते हैं और इसकी उत्तरित सुविधाओं को अनलॉक करते हैं। पार्कर टूम्स को DOD ट्रक से हथियार चोराने से रोकने की कोशिश करता है लेकिन अंदर ही फंस जाता है जिससे वो डेकथलॉन टूर्नामेंट से चूक जाता है। जब उसे पता चलता है कि पावर कोर एक स्थिर चित्तौर ग्रेनेड है तो वह वाशिंगटन स्मारक के लिए दौड़ता है जहां कोर फट जाता है और नेड और उनके दोस्त को एक लिफ्ट में फंसा देता है। पार्कर उन्हें बचाता है जिसमें उसका सहपाठी भी शामिल है और लीज को कुचल देता है। कुछ दिनों बाद न्यूयॉर्क शहर में स्वार्टेंट आइलैंड फेरी पार्कर टॉम्स के नए खरीदार मैक गॉर्गन को पकड़ लेता है लेकिन टॉम्स भाग जाता है और एक खराब हथियार फेरी को आधा कर देता है। स्टॉर्क यात्रियों को बचाने में पार्कर की मदद करता है और उसकी लापरवाही के लिए सजा के रूप में उसका मुकदमा जब्त कर लेता है। तो फ्रेंड्स, आगे की स्टोरी जानने के लिए आपको स्पाइडरमैन होमकमिंग इस मूवी को देखना होगा। तो फ्रेंड्स, अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हैं तो फ्रेंड्स ये अमेज़ॉन प्राइम पर अवेलेबल है, बट आपको इस मूवी को देखने के लिए 69 रुपीज़ पे करना होगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस कर ऑल को सेलेक्ट कर सकते हैं जिससे हमारे आने वाली हर एक नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे और आप हमारे चैनल से जुड़े रहें और हमारे वीडियो में बने रहें। और फ्रेंड्स, आप हमारे वीडियो को अंत तक जरूर देखें और हमारे वीडियो को देखते रहें। हे फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्पाइडरमैन होमकमिंग मूवी के बारे में। तो फ्रेंड्स, इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में बात करें तो फ्रेंड्स, इस मूवी को IMDb ने 7.4/10 रेटिंग दिया है और इसे 82% गूगल यूजर्स ने भी लाइक किया है। तो फ्रेंड्स, स्पाइडरमैन होमकमिंग ये 2017 की अमेरिकन सुपर हीरो फिल्म जो कि बेस्ड है मार्वल कॉमिक पर सेम कैरेक्टर स्पाइडरमैन पर। तो फ्रेंड्स, इस मूवी को डायरेक्ट किए हैं जॉन वॉट्स और इस मूवी को में स्क्रीन प्ले दिए हैं जॉन थन गोल्डस्टीन, जॉन फ्रांसिस डेली, जॉन वॉट्स, क्रिस्टोफर फॉर्ड, क्रिस मैककेनन, इर्क सॉमर्स और इस मूवी में स्टोरेज ये है जॉनथन गोल्डस्टेन, जॉन फ्रांसिस डेली और ये मूवी बेस्ड है स्पाइडरमैन जो कि स्टेली स्टीव डिटको की है और इस मूवी को प्रोड्यूस किए हैं केविन फोएग, फेजी, एमी पास्केल और इस मूवी की स्टारिंग है टॉम हॉलैंड, माइकल कीटन, जॉन फेवरियो, ग्विनेथ पाल्ट्रो, जेंडाया, डोनाल्ड ग्लोवर, जैकोब बैटलॉन, लॉरा हैरियर, टोनी रेवोलोरी, बुकिम वर्ल्डबाइन, टाइन डेली, मैरसा टोमी, रॉबर्ट डॉन जूनियर और इस मूवी को सिनेमेटोग्राफी किए हैं सेल्वेटोर टोटिनो और इस मूवी को एडिट किए हैं डैन लेबेंटेल, डेबी बर्मन और इस मूवी में म्यूजिक दिए हैं माइकल गियाचिनो और इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी है कोलंबिया पिक्चर्स, मार्वल स्टूडियोज, पास्केल पिक्चर्स और इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट की है सोनी पिक्चर्स रिलीजिंग और ये मूवी 28 जून 2017 को हॉलीवुड में रिलीज हुई और 7 जुलाई 2017 को यूनाइटेड स्टेट्स में रिलीज हुई और इसका रनिंग टाइम रहा 133 मिनट्स और ये यूनाइटेड स्टेट्स की इंग्लिश लैंग्वेज वाली मूवी है जो कि $175 मिलियन में बनी और इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन $880.2 मिलियन रहा। तो फ्रेंड्स, इस मूवी के कास्ट के बारे में बात करें तो फ्रेंड्स, हमें इस मूवी में टॉम हॉलैंड एज पीटर पार्कर और स्पाइडरमैन के रोल में नज़र आए और माइकल कीटन एज एड्रिन टोमेस और वल्चर के रोल में नज़र आए और जॉन फेवरियो एज हैप्पी हॉगन के रोल में और ग्विनेथ पैल्ट्रो एज पीपर पोट्स के रोल में और जिंडाया एज मिकेला के रोल में और डोनाल्ड ग्लोवर एज एरोन डेविस के रोल में और जैकोब बैटलॉन एज नेट के रोल में और लॉरा हैरियर एज लीज के रोल में और टोनी रिवॉलरी एज फ्लैश के रोल में और बुकिम वुडबाइन एज हर्मन स्कल्ट्स और सॉकर के रोल में और टाइनी डेली एज एनी मैरी होज के रोल में और मैरिसा टॉमी एज मे पार्कर के रोल में और रॉबर्ट डॉनी जूनियर एज टोनी स्टार्क और आयरन मैन के रोल में। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसे लग रही है? अगर अच्छी लग रही है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और बुरी लग रही है तो ज़रूर डिसलाइक कर सकते हैं। तो चलिए इस मूवी की स्टोरी के बारे में जानते हैं। तो मैं आपको बता दूँ,
कि मैं आपको इस मूवी का टोटल स्टोरी इस वीडियो में नहीं बताने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स स्टोरी स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स 2012 में न्यूयॉर्क की लड़ाई के बाद एंड्रियन टोमस और उनकी बचाव कंपनी को शहर को साफ करने के लिए अनुबंधित किया गया है, लेकिन उनके संचालन को नुकसान नियंत्रित विभाग DODS द्वारा लिया गया है, जो टोनी स्टार्क और औरों के बीच एक साझेदारी है। अमेरिकी सरकार व्यवसाय से बाहर किए जाने पर क्रोधित टॉम्स ने अपने कर्मचारियों को चितौरी तकनीकी को रखने के लिए राजी किया, जिसे वे पहले से ही परिमार्जन कर चुके हैं और इसका उपयोग उन्नति हथियार बनाने और बेचने के लिए करते हैं, जिसमें एक उड़ने वाला गिद्ध सूट भी शामिल है। इसका उपयोग टॉम्स चितौरी बिजली कोशिकाओं को चुराने के लिए करता है। 8 साल बाद पीटर पार्कर को बर्लिन में एक आंतरिक विवाद में मदद करने के लिए स्टार्क द्वारा एवेंजर्स में शामिल किया गया है, लेकिन मिडटाउन स्कूल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में अपनी पढ़ाई फिर से शुरू करता है। जब स्टार्क उससे बताता है कि वह अभी तक नहीं है कि एक पूर्ण बदला लेने वाले बनने के लिए तैयार, पार्कर स्पाइडरमैन के रूप में अपने अपराध से लड़ने वाली गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए अधिक समय बिताने के लिए अपने स्कूल की शैक्षणिक डेक्टाथलॉन टीम छोड़ देता है। उसका सबसे अच्छा दोस्त नेड अतः उसकी गुप्त पहचान का पता लगाता है। पार्कर टूम्स की सहयोगियों जैक्सन ब्राइस सॉकर और हरमन सुल्तस को स्थानीय अपराधी ऑरन डेविस को हथियार बेचते हुए देखता है। पार्कर डेविस को गिद्ध के सूट में टॉम्स द्वारा पकड़े जाने से पहले बचाता है और एक झील में गिरा दिया जाता है, जो उसके सूट में बने पैरासूट में उलझने के बाद लगभग डूब जाता है। उसे स्टार्क द्वारा बचाया जाता है, जो पार्कर को दिए गए स्पाइडरमैन सूट की निगरानी कर रहा है और उसे अपराधियों के साथ आगे की भागीदारी के खिलाफ चेतावनी देता है। टूम्स गलती से ब्राइस को उनके एक हथियार से मार देता है और सुल्तस नया सॉकर बन जाता है। पार्कर और नेड एक साथ हथियार का अध्ययन करते हैं जो ब्राइस ने पीछे छोड़ दिया, जिससे उसका परिवार हटा दिया गया। जब सुल्तस पर एक ट्रैकिंग डिवाइस मैरीलैंड की ओर जाता है तो पार्कर डेक्थलॉन टीम में फिर से शामिल हो जाता है और उनके साथ उनके राष्ट्रीय टूर्नामेंट के लिए वाशिंगटन DC जाता है। नेड और पार्कर स्पाइडरमैन सूट में लगाए गए ट्रैकर स्टार को अक्षम करते हैं और इसकी उत्तरित सुविधाओं को अनलॉक करते हैं। पार्कर टूम्स को DOD ट्रक से हथियार चुराने से रोकने की कोशिश करता है, लेकिन अंदर ही फंस जाता है, जिससे वो डेक्थलॉन टूर्नामेंट से चूक जाता है। जब उसे पता चलता है कि पावर कोर एक स्थिर चित्तौर ग्रेनेड है, तो वह वाशिंगटन स्मारक के लिए दौड़ता है, जहां कोर फट जाता है और नेड और उनके दोस्त को एक लिफ्ट में फंसा देता है। पार्कर उन्हें बचाता है, जिसमें उसका सहपाठी भी शामिल है, और लीज को कुचल देता है। कुछ दिनों बाद न्यूयॉर्क शहर में पर्स स्वार्टेंट आइलैंड फेरी पार्कर टॉम्स के नए खरीदार मैक गॉर्गन को पकड़ लेता है, लेकिन टॉम्स भाग जाता है और एक खराब हथियार फेरी को आधा कर देता है। स्टॉर्क यात्रियों को बचाने में पार्कर की मदद करता है और उसकी लापरवाही के लिए सजा के रूप में उसका मुकदमा जब्त कर लेता है। तो फ्रेंड्स आगे की स्टोरी जानने के लिए आपको स्पाइडरमैन होमकमिंग इस मूवी को देखना होगा। तो फ्रेंड्स अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हैं तो फ्रेंड्स ये अमेज़ॉन प्राइम पर अवेलेबल है, बट आपको इस मूवी को देखने के लिए 69 रुपीज़ पे करना होगा। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस कर ऑल को सेलेक्ट कर सकते हैं, जिससे हमारे आने वाली हर एक नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे और आप हमारे चैनल से जुड़े रहें और हमारे वीडियो में बने रहें। और फ्रेंड्स आप हमारे वीडियो को अंत तक जरूर देखें और हमारे वीडियो को देखते रहें। हे फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्पाइडरमैन होमकमिंग मूवी के बारे में। तो फ्रेंड्स इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में बात करें तो फ्रेंड्स इस मूवी को IMDb ने 7.4/10 रेटिंग दिया है और इसे 82% गूगल यूजर्स ने भी लाइक किया है। तो फ्रेंड्स स्पाइडरमैन होमकमिंग ये 2017 की अमेरिकन सुपर हीरो फिल्म, जो कि बेस्ड है मार्वल कॉमिक पर सेम कैरेक्टर स्पाइडरमैन पर। तो फ्रेंड्स इस मूवी को डायरेक्ट किए हैं जॉन वॉट्स और इस मूवी को में स्क्रीन प्ले दिए हैं जॉनथन गोल्डस्टीन, जॉन फ्रांसिस डेले, जॉन वॉट्स, क्रिस्टोफर फॉर्ड, क्रिस मैकेनन,
इर्क सॉमर्स, और इस मूवी में स्टोरेज ये है जॉनथन गोल्डस्टेन, जॉन फ्रांसिस डेले, और ये मूवी बेस्ड है स्पाइडरमैन जो कि स्टेली स्टीव डिटको की है, और इस मूवी को प्रोड्यूस किए हैं केविन फोएग, फेजी, एमी पास्केल, और इस मूवी की स्टारिंग है टॉम हॉलैंड, माइकल कीटन, जॉन फेवरियो, ग्विनेथ पाल्ट्रो, जेंडाया, डोनाल्ड ग्लोवर, जैकोब बैटलॉन, लॉरा हैरियर, टोनी रेवोलोरी, बुकिम वर्ल्डबाइन, टाइन डेली, मैरसा टोमी, रॉबर्ट डॉन जूनियर, और इस मूवी को सिनेमेटोग्राफी किए हैं सेल्वेटोर टोटिनो, और इस मूवी को एडिट किए हैं डैन लेबेंटेल, डेबी बर्मन, और इस मूवी में म्यूजिक दिए हैं माइकल गियाचिनो, और इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी है कोलंबिया पिक्चर्स, मार्वल स्टूडियोज, पास्केल पिक्चर्स, और इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट की है सोनी पिक्चर्स रिलीजिंग, और ये मूवी 28 जून 2017 को हॉलीवुड में रिलीज़ हुई और 7 जुलाई 2017 को यूनाइटेड स्टेट्स में रिलीज़ हुई, और इसका रनिंग टाइम रहा 133 मिनट्स, और ये यूनाइटेड स्टेट्स की इंग्लिश लैंग्वेज वाली मूवी है जो कि $175 मिलियन में बनी, और इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन $880.2 मिलियन रहा। तो फ्रेंड्स, इस मूवी के कास्ट के बारे में बात करें तो फ्रेंड्स, हमें इस मूवी में टॉम हॉलैंड एज पीटर पार्कर और स्पाइडरमैन के रोल में नज़र आए, और माइकल कीटन एज एड्रिन टोमेस और वल्चूर के रोल में नज़र आए, और जॉन फेवरियो एज हैप्पी हॉगन के रोल में, और ग्विनेथ पैल्ट्रो एज पीपर पोट्स के रोल में, और जिंडाया एज मिकेला के रोल में, और डोनाल्ड ग्लोवर एज एरोन डेविस के रोल में, और जैकोब बैटलॉन एज नेट के रोल में, और लॉरा हैरियर एज लीज के रोल में, और टोनी रिवोलरी एज फ्लैश के रोल में, और बुकिम वुडबाइन एज हर्मन स्कल्ट्स और सॉकर के रोल में, और टाइनी डेली एज एनी मैरी होइज के रोल में, और मैरिसा टॉमी एज मे पार्कर के रोल में, और रॉबर्ट डॉनी जूनियर एज टोनी स्टार्क और आयरन मैन के रोल में। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसी लग रही है? अगर अच्छी लग रही है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और बुरी लग रही है तो ज़रूर डिसलाइक कर सकते हैं। तो चलिए इस मूवी की स्टोरी के बारे में जानते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि मैं आपको इस मूवी का टोटल स्टोरी इस वीडियो में नहीं बताने वाला हूं। तो फ्रेंड्स, स्टोरी स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, 2012 में न्यूयॉर्क की लड़ाई के बाद एड्रियन टोमस और उनकी बचाव कंपनी को शहर को साफ करने के लिए अनुबंधित किया गया है, लेकिन उनके संचालन को नुकसान नियंत्रित विभाग DODS द्वारा लिया गया है, जो टोनी स्टार्क और ओरो के बीच एक साझेदारी है। अमेरिकी सरकार व्यवसाय से बाहर किए जाने पर क्रोधित टॉम्स ने अपने कर्मचारियों को चितौरी तकनीकी को रखने के लिए राजी किया, जिसे वे पहले से ही परिमार्जन कर चुके हैं और इसका उपयोग उन्नति हथियार बनाने और बेचने के लिए करते हैं, जिसमें एक उड़ने वाला गिद्ध सूट भी शामिल है। इसका उपयोग टॉम्स चितौरी बिजली कोशिकाओं को चुराने के लिए करता है। 8 साल बाद पीटर पार्कर को बर्लिन में एक आंतरिक विवाद में मदद करने के लिए स्टार्क द्वारा एवेंजर्स में शामिल किया गया है, लेकिन मिडटाउन स्कूल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में अपनी पढ़ाई फिर से शुरू करता है, जब स्टार्क उससे बताता है कि वह अभी तक नहीं है कि एक पूर्ण बदला लेने वाले बनने के लिए तैयार। पार्कर स्पाइडरमैन के रूप में अपने अपराध से लड़ने वाली गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए अधिक समय बिताने के लिए अपने स्कूल की शैक्षणिक डेक्टाथलॉन टीम छोड़ देता है। उसका सबसे अच्छा दोस्त नेड अतः उसकी गुप्त पहचान का पता लगाता है। पार्कर टूम्स की सहयोगियों जैक्सन ब्राइस सॉकर और हर्मन सुल्तस को स्थानीय अपराधी ओरन डेविस को हथियार बेचते हुए देखता है। पार्कर डेविस को गिद्ध के सूट में टॉम्स द्वारा पकड़े जाने से पहले बचाता है और एक झील में गिरा दिया जाता है, जो उसके सूट में बने पैरासूट में उलझने के बाद लगभग डूब जाता है। उसे स्टार्क द्वारा बचाया जाता है, जो पार्कर को दिए गए स्पाइडरमैन सूट की निगरानी कर रहा है और उसे अपराधियों के साथ आगे की भागीदारी के खिलाफ चेतावनी देता है। टूम्स गलती से ब्राइस को उनके एक हथियार से मार देता है और सुल्तस नया सॉकर बन जाता है। पार्कर और नेड एक साथ हथियार का अध्ययन करते हैं जो ब्राइस ने पीछे छोड़ दिया, जिससे उसका परिवार हटा दिया गया। जब सुल्तस पर एक ट्रैकिंग डिवाइस मैरीलैंड की ओर जाता है तो पार्कर डेक्थलॉन टीम में फिर से शामिल हो जाता है और उनके साथ उनके राष्ट्रीय टूर्नामेंट के लिए वाशिंगटन DC जाता है।
नेड और पार्कर स्पाइडरमैन सूट में लगाए गए ट्रैकर स्टोर को अक्षम करते हैं और इसकी उत्तरित सुविधाओं को अनलॉक करते हैं। पार्कर टूम्स को DOD ट्रक से हथियार चोराने से रोकने की कोशिश करता है, लेकिन अंदर ही फंस जाता है, जिससे वो डेक्टोसोलन टूर्नामेंट से चूक जाता है। जब उसे पता चलता है कि पावर कोर एक स्थिर चित्तौर ग्रेनेड है, तो वह वाशिंगटन स्मारक के लिए दौड़ता है, जहां कोर फट जाता है और नेड और उनके दोस्त को एक लिफ्ट में फंसा देता है। पार्कर उन्हें बचाता है, जिसमें उसका सहपाठी भी शामिल है, और लीज को कुचल देता है। कुछ दिनों बाद न्यूयॉर्क शहर में स्वार्टेंड आइलैंड फेरी पार्कर टॉम्स के नए खरीदार मैक गॉर्गन को पकड़ लेता है, लेकिन टॉम्स भाग जाता है और एक खराब हथियार फेरी को आधा कर देता है। स्टॉर्क यात्रियों को बचाने में पार्कर की मदद करता है और उसकी लापरवाही के लिए सजा के रूप में उसका मुकदमा जब्त कर लेता है। तो फ्रेंड्स, आगे की स्टोरी जानने के लिए आपको स्पाइडरमैन होमकमिंग इस मूवी को देखना होगा। तो फ्रेंड्स, अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हैं तो फ्रेंड्स, ये अमेज़ॉन प्राइम पर अवेलेबल है, बट आपको इस मूवी को देखने के लिए 69 रुपीज़ पे करना होगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस कर ऑल को सेलेक्ट कर सकते हैं, जिससे हमारे आने वाली हर एक नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे और आप हमारे चैनल से जुड़े रहें और हमारे वीडियो में बने रहें। और फ्रेंड्स, आप हमारे वीडियो को अंत तक जरूर देखें और हमारे वीडियो को देखते रहें। हे फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्पाइडरमैन होमकमिंग मूवी के बारे में। तो फ्रेंड्स, इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में बात करें तो फ्रेंड्स, इस मूवी को IMDb ने 7.4 आउट ऑफ 10 रेटिंग दिया है और इसे 82% गूगल यूजर्स ने भी लाइक किया है। तो फ्रेंड्स, स्पाइडरमैन होमकमिंग ये 2017 की अमेरिकन सुपर हीरो फिल्म, जो कि बेस्ड है मार्वल कॉमिक पर सेम कैरेक्टर स्पाइडरमैन पर। तो फ्रेंड्स, इस मूवी को डायरेक्ट किए हैं जॉन वॉट्स और इस मूवी को में स्क्रीन प्ले दिए हैं जॉनथन गोल्डस्टीन, जॉन फ्रांसिस डेले, जॉन वॉट्स, क्रिस्टोफर फॉर्ड, क्रिस मैककेनन, इर्क सॉमर्स, और इस मूवी में स्टोरेज दिए हैं जॉनथन गोल्डस्टीन, जॉन फ्रांसिस डेले, और ये मूवी बेस्ड है स्पाइडरमैन जो कि स्टेली स्टीव डिटको की है, और इस मूवी को प्रोड्यूस किए हैं केविन फोएग, फेजी एमी पास्केल, और इस मूवी की स्टारिंग है टॉम हॉलैंड, माइकल कीटन, जॉन फेवरियो, ग्विनेथ पाल्ट्रो, जेंडाया, डोनाल्ड ग्लोवर, जैकोब बैटलॉन, लॉरा हैरियर, टोनी रेवोलोरी, बुकिम वर्ल्डबाइन, टाइन डेली, मैरसा टोमी, रॉबर्ट डॉन जूनियर, और इस मूवी को सिनेमेटोग्राफी किए हैं सेल्वेटोर टोटिनो, और इस मूवी को एडिट किए हैं डैन लेबेंटेल, डेबी बर्मन, और इस मूवी में म्यूजिक दिए हैं माइकल गियाचिनो, और इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी है कोलंबिया पिक्चर्स, मार्वल स्टूडियोज, पास्केल पिक्चर्स, और इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट की है सोनी पिक्चर्स रिलीजिंग, और ये मूवी 28 जून 2017 को हॉलीवुड में रिलीज़ हुई और 7 जुलाई 2017 को यूनाइटेड स्टेट्स में रिलीज़ हुई, और इसका रनिंग टाइम रहा 133 मिनट्स, और ये यूनाइटेड स्टेट्स की इंग्लिश लैंग्वेज वाली मूवी है, जो कि $175 मिलियन में बनी और इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन $880.2 मिलियन रहा। तो फ्रेंड्स, इस मूवी की कास्ट के बारे में बात करें तो फ्रेंड्स, हमें इस मूवी में टॉम हॉलैंड एज पीटर पार्कर और स्पाइडरमैन के रोल में नज़र आए, और माइकल कीटन एज एड्रिन टोमेस और वल्चर के रोल में नज़र आए, और जॉन फेवरियो एज हैप्पी हॉगन के रोल में, और ग्विनेथ पैल्ट्रो एज पीपर पोट्स के रोल में, और जिंडाया एज मिकेला के रोल में, और डोनाल्ड ग्लोवर एज एरोन डेविस के रोल में, और जैकोब बैटलॉन एज नेट के रोल में, और लॉरा हैरियर एज लीज के रोल में, और टोनी रिवोलरी एज फ्लैश के रोल में, और बुकिम वुडबाइन एज हर्मन स्कल्ट्स और सॉकर के रोल में, और टाइनी डेली एज एनी मैरी होज के रोल में, और मैरिसा टॉमी एज मे पार्कर के रोल में, और रॉबर्ट डॉनी जूनियर एज टोनी स्टार्क और आयरन मैन के रोल में। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसी लग रही है? अगर अच्छी लग रही है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और बुरी लग रही है तो ज़रूर डिसलाइक कर सकते हैं। तो चलिए, इस मूवी की स्टोरी के बारे में जानते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि मैं आपको इस मूवी का टोटल स्टोरी इस वीडियो में नहीं बताने वाला हूं। तो फ्रेंड्स, स्टोरी स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, 2012 में न्यूयॉर्क की लड़ाई के बाद एड्रियन टोमस और उनकी बचाव कंपनी को शहर को साफ करने के लिए अनुबंधित किया गया है, लेकिन उनके संचालन को नुकसान नियंत्रित विभाग DODS द्वारा लिया गया है, जो टोनी स्टार्क और
औरों के बीच एक साझेदारी है। अमेरिकी सरकार व्यवसाय से बाहर किए जाने पर क्रोधित, टॉम्स ने अपने कर्मचारियों को चितौरी तकनीकी को रखने के लिए राजी किया, जिसे वे पहले से ही परिमार्जन कर चुके हैं और इसका उपयोग उन्नति हथियार बनाने और बेचने के लिए करते हैं, जिसमें एक उड़ने वाला गिद्ध सूट भी शामिल है। इसका उपयोग टॉम्स चितौरी बिजली कोशिकाओं को चुराने के लिए करता है। 8 साल बाद पीटर पार्कर को बर्लिन में एक आंतरिक विवाद में मदद करने के लिए स्टार्क द्वारा एवेंजर्स में शामिल किया गया है, लेकिन मिडटाउन स्कूल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में अपनी पढ़ाई फिर से शुरू करता है जब स्टार्क उससे बताता है कि वह अभी तक नहीं है कि एक पूर्ण बदला लेने वाले बनने के लिए तैयार। पार्कर स्पाइडरमैन के रूप में अपने अपराध से लड़ने वाली गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए अधिक समय बिताने के लिए अपने स्कूल की शैक्षणिक डेक्टाथलॉन टीम छोड़ देता है। उसका सबसे अच्छा दोस्त नेड अतः उसकी गुप्त पहचान का पता लगाता है। पार्कर टूम्स के सहयोगियों जैक्सन ब्राइस सॉकर और हरमन सुल्तस को स्थानीय अपराधी ऑरन डेविड डेविस को हथियार बेचते हुए देखता है। पार्कर डेविस को गीत के सूट में टॉम्स द्वारा पकड़े जाने से पहले बचाता है और एक झील में गिरा दिया जाता है, जो उसके सूट में बने पैरासूट में उलझने के बाद लगभग डूब जाता है। उसे स्टार्क द्वारा बचाया जाता है, जो पार्कर को दिए गए स्पाइडरमैन सूट की निगरानी कर रहा है और उसे अपराधियों के साथ आगे की भागीदारी के खिलाफ चेतावनी देता है। टूम्स गलती से ब्राइस को उनके एक हथियार से मार देता है और सुल्तस नया सॉकर बन जाता है। पार्कर और नेड एक साथ हथियार का अध्ययन करते हैं जो ब्राइस ने पीछे छोड़ दिया, जिससे उसका परिवार हटा दिया गया। जब सुल्तस पर एक ट्रैकिंग डिवाइस मैरीलैंड की ओर जाता है तो पार्कर डेक्थलॉन टीम में फिर से शामिल हो जाता है और उनके साथ उनके राष्ट्रीय टूर्नामेंट के लिए वाशिंगटन DC जाता है। नेड और पार्कर स्पाइडरमैन सूट में लगाए गए ट्रैकर स्टॉर को अक्षम करते हैं और इसकी उत्तरित सुविधाओं को अनलॉक करते हैं। पार्कर टूम्स को DOD ट्रक से हथियार चुराने से रोकने की कोशिश करता है, लेकिन अंदर ही फंस जाता है, जिससे वो डेक्थलॉन टूर्नामेंट से चूक जाता है। जब उसे पता चलता है कि पावर कोर एक स्थिर चितौर ग्रेनेड है, तो वह वाशिंगटन स्मारक के लिए दौड़ता है, जहां कोर फट जाता है और नेड और उनके दोस्त को एक लिफ्ट में फंसा देता है। पार्कर उन्हें बचाता है, जिसमें उसका सहपाठी भी शामिल है, और लीज को कुचल देता है। कुछ दिनों बाद न्यूयॉर्क शहर में पर्स स्वार्टेंट आइलैंड फेरी पार्कर टॉम्स के नए खरीदार मैक गॉर्गन को पकड़ लेता है, लेकिन टॉम्स भाग जाता है और एक खराब हथियार फेरी को आधा कर देता है। स्टॉर्क यात्रियों को बचाने में पार्कर की मदद करता है और उसकी लापरवाही के लिए सजा के रूप में उसका मुकदमा जब्त कर लेता है। तो फ्रेंड्स, आगे की स्टोरी जानने के लिए आपको स्पाइडरमैन होमकमिंग इस मूवी को देखना होगा। तो फ्रेंड्स, अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हैं तो फ्रेंड्स ये अमेज़ॉन प्राइम पर अवेलेबल है, बट आपको इस मूवी को देखने के लिए 69 रुपीज़ पे करना होगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस कर ऑल को सेलेक्ट कर सकते हैं, जिससे हमारे आने वाली हर एक नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे और आप हमारे चैनल से जुड़े रहे और हमारे वीडियो में बने रहे। और फ्रेंड्स, आप हमारे वीडियो को अंत तक जरूर देखें और हमारे वीडियो को देखते रहें। हे फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्पाइडरमैन होमकमिंग मूवी के बारे में। तो फ्रेंड्स, इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में बात करें तो फ्रेंड्स, इस मूवी को IMDb ने 7.4 आउट ऑफ 10 रेटिंग दिया है और इसे 82% गूगल यूजर्स ने भी लाइक किया है। तो फ्रेंड्स, स्पाइडरमैन होमकमिंग ये 2017 की अमेरिकन सुपर हीरो फिल्म, जो कि बेस्ड है मार्वल कॉमिक पर सेम कैरेक्टर स्पाइडरमैन पर। तो फ्रेंड्स, इस मूवी को डायरेक्ट किए हैं जॉन वॉट्स और इस मूवी को में स्क्रीन प्ले दिए हैं जॉन थन गोल्डस्टीन, जॉन फ्रांसिस डेली, जॉन वॉट्स, क्रिस्टोफर फॉर्ड, क्रिस मैककेनन, इर्क सॉमर्स और इस मूवी में स्टोरेज ये है जॉनथन गोल्डस्टेन, जॉन फ्रांसिस डेली और ये मूवी बेस्ड है स्पाइडरमैन जो कि स्टेली स्टीव डिटको की है और इस मूवी को प्रोड्यूस किए हैं केविन फोएग, फेजी, एमी पास्केल और इस मूवी की स्टारिंग है टॉम हॉलैंड, माइकल कीटन, जॉन फेवरियो, ग्विनेथ पाल्ट्रो, जेंडाया
डॉनल्ड ग्लोवर, जैकोब बैटलॉन, लॉरा हैरियर, टोनी टोनी रेवोलोरी, बुकिम वर्ल्डबाइन, टाइन डेली, मैरसा टोमी, रॉबर्ट डॉन जूनियर। और इस मूवी को सिनेमेटोग्राफी किए हैं सेल्वेटोर टोटिनो, और इस मूवी को एडिट किए हैं डैन लेबेंटेल, डेबी बर्मन, और इस मूवी में म्यूजिक दिए हैं माइकल गियाचिनो। और इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी है कोलंबिया पिक्चर्स, मार्वल स्टूडियोज, पास्केल पिक्चर्स, और इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट की है सोनी पिक्चर्स रिलीजिंग। और ये मूवी 28 जून 2017 को हॉलीवुड में रिलीज हुई और 7 जुलाई 2017 को यूनाइटेड स्टेट्स में रिलीज हुई, और इसका रनिंग टाइम रहा 133 मिनट्स। और ये यूनाइटेड स्टेट्स की इंग्लिश लैंग्वेज वाली मूवी है जो कि $175 मिलियन में बनी, और इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन $880.2 मिलियन रहा। तो फ्रेंड्स, इस मूवी के कास्ट के बारे में बात करें तो फ्रेंड्स, हमें इस मूवी में टॉम हॉलैंड एज पीटर पार्कर और स्पाइडरमैन के रोल में नज़र आए, और माइकल कीटन एज एड्रिन टोमेस और वल्चर के रोल में नज़र आए, और जॉन फेवरी एज हैप्पी हॉगन के रोल में, और ग्विनेथ पेल्ट्रो एज पीपर पोट्स के रोल में, और जिंडाया एज मिकेला के रोल में, और डोनाल्ड ग्लोवर एज एरोन डेविस के रोल में, और जैकोब बैटलोन एज नेट के रोल में, और लॉरा हैरियर एज लीज के रोल में, और टोनी रिवॉलरी एज फ्लैश के रोल में, और बुकिम वुडबाइन एज हर्मन स्कल्ट्स और सॉकर के रोल में, और टाइनी डेली एज एनी मैरी होज के रोल में, और मैरिसा टॉमी एज मे पार्कर के रोल में, और रॉबर्ट डॉनी जूनियर एज टोनी स्टार्क और आयरन मैन के रोल में। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसे लग रही है? अगर अच्छी लग रही है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और बुरी लग रही है तो ज़रूर डिसलाइक कर सकते हैं। तो चलिए इस मूवी की स्टोरी के बारे में जानते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि मैं आपको इस मूवी का टोटल स्टोरी इस वीडियो में नहीं बताने वाला हूं। तो फ्रेंड्स, स्टोरी स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, 2012 में न्यूयॉर्क की लड़ाई के बाद एड्रियन टोमस और उनकी बचाव कंपनी को शहर को साफ करने के लिए अनुबंधित किया गया है, लेकिन उनके संचालन को नुकसान नियंत्रित विभाग DODS द्वारा लिया गया है, जो टोनी स्टार्क और ओरो के बीच एक साझेदारी है। अमेरिकी सरकार व्यवसाय से बाहर किए जाने पर क्रोधित टॉम्स ने अपने कर्मचारियों को चितौरी तकनीकी को रखने के लिए राजी किया, जिसे वे पहले से ही परिमार्जन कर चुके हैं और इसका उपयोग उन्नति हथियार बनाने और बेचने के लिए करते हैं, जिसमें एक उड़ने वाला गिद्ध सूट भी शामिल है। इसका उपयोग टॉम्स चितौरी बिजली कोशिकाओं को चुराने के लिए करता है। 8 साल बाद पीटर पार्कर को बर्लिन में एक आंतरिक विवाद में मदद करने के लिए स्टार्क द्वारा एवेंजर्स में शामिल किया गया है, लेकिन मिडटाउन स्कूल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में अपनी पढ़ाई फिर से शुरू करता है। जब स्टार्क उससे बताता है कि वह अभी तक नहीं है कि एक पूर्ण बदला लेने वाले बनने के लिए तैयार, पार्कर स्पाइडरमैन के रूप में अपने अपराध से लड़ने वाली गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए अधिक समय बिताने के लिए अपने स्कूल की शैक्षणिक डेक्टाथलॉन टीम छोड़ देता है। उसका सबसे अच्छा दोस्त नेड अतः उसकी गुप्त पहचान का पता लगाता है। पार्कर टूम्स के सहयोगियों जैक्सन ब्राइस सॉकर और हरमन सुल्तस को स्थानीय अपराधी ओरन डेविस को हथियार बेचते हुए देखता है। पार्कर डेविस को गिद्ध के सूट में टॉम्स द्वारा पकड़े जाने से पहले बचाता है और एक झील में गिरा दिया जाता है, जो उसके सूट में बने पैरासूट में उलझने के बाद लगभग डूब जाता है। उसे स्टार्क द्वारा बचाया जाता है, जो पार्कर को दिए गए स्पाइडरमैन सूट की निगरानी कर रहा है और उसे अपराधियों के साथ आगे की भागीदारी के खिलाफ चेतावनी देता है। टूम्स गलती से ब्राइस को उनके एक हथियार से मार देता है और सुल्तस नया सॉकर बन जाता है। पार्कर और नेड एक साथ हथियार का अध्ययन करते हैं जो ब्राइस ने पीछे छोड़ दिया, जिससे उसका परिवार हटा दिया गया। जब सुल्तस पर एक ट्रैकिंग डिवाइस मैरीलैंड की ओर जाता है तो पार्कर डेक्थलॉन टीम में फिर से शामिल हो जाता है और उनके साथ उनके राष्ट्रीय टूर्नामेंट के लिए वाशिंगटन DC जाता है। नेड और पार्कर स्पाइडरमैन सूट में लगाए गए ट्रैकर स्टार को अक्षम करते हैं और इसकी उत्तरित सुविधाओं को अनलॉक करते हैं। पार्कर टूम्स को DOD ट्रक से हथियार चुराने से रोकने की कोशिश करता है, लेकिन अंदर ही फंस जाता है, जिससे वो डेक्टोथलन टूर्नामेंट से चूक जाता है। जब उसे पता चलता है कि पावर कोर एक स्थिर चित्त और ग्रेनेड है, तो वह वाशिंगटन स्मारक के लिए दौड़ता है।
जहाँ कोर फट जाता है और नेड और उनके दोस्त को एक लिफ्ट में फंसा देता है। पार्कर उन्हें बचाता है जिसमें उसका सहपाठी भी शामिल है और लीज को कुचल देता है। कुछ दिनों बाद न्यूयॉर्क शहर में पर्स स्वारस्टेंट आइलैंड फेरी पार्कर टॉम्स के नए खरीदार मैक गॉर्गन को पकड़ लेता है, लेकिन टॉम्स भाग जाता है और एक खराब हथियार फेरी को आधा कर देता है। स्टॉर्क यात्रियों को बचाने में पार्कर की मदद करता है और उसकी लापरवाही के लिए सजा के रूप में उसका मुकदमा जब्त कर लेता है। तो फ्रेंड्स, आगे की स्टोरी जानने के लिए आपको स्पाइडरमैन होमकमिंग इस मूवी को देखना होगा। तो फ्रेंड्स, अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हैं तो फ्रेंड्स ये अमेज़ॉन प्राइम पर अवेलेबल है, बट आपको इस मूवी को देखने के लिए 69 रुपीज़ पे करना होगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस कर ऑल को सेलेक्ट कर सकते हैं, जिससे हमारे आने वाली हर एक नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे और आप हमारे चैनल से जुड़े रहें और हमारे वीडियो में बने रहें। और फ्रेंड्स, आप हमारे वीडियो को अंत तक जरूर देखें और हमारे वीडियो को देखते रहें। हे फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्पाइडरमैन होमकमिंग मूवी के बारे में। तो फ्रेंड्स, इस मूवी की आईएमडीबी रेटिंग के बारे में बात करें तो फ्रेंड्स, इस मूवी को आईएमडीबी ने 7.4 out of 10 रेटिंग दिया है और इसे 82% गूगल यूजर्स ने भी लाइक किया है। तो फ्रेंड्स, स्पाइडरमैन होमकमिंग ये 2017 की अमेरिकन सुपर हीरो फिल्म जो कि बेस्ड है मार्वल कॉमिक पर सेम कैरेक्टर स्पाइडरमैन पर। तो फ्रेंड्स, इस मूवी को डायरेक्ट किए हैं जॉन वॉट्स और इस मूवी को में स्क्रीन प्ले दिए हैं जॉन थन गोल्डस्टीन, जॉन फ्रांसिस डेले, जॉन वॉट्स, क्रिस्टोफर फॉर्ड, क्रिस मैककेनन, इर्क सॉमर्स और इस मूवी में स्टोरी दिए हैं जॉनथन गोल्डस्टीन, जॉन फ्रांसिस डेले और ये मूवी बेस्ड है स्पाइडरमैन जो कि स्टेली स्टीव डिटको की है और इस मूवी को प्रोड्यूस किए हैं केविन फोएग, फेजी एमी पास्केल और इस मूवी की स्टारिंग है टॉम हॉलैंड, माइकल कीटन, जॉन फेवरियो, ग्विनेथ पाल्ट्रो, जेंडाया, डोनाल्ड ग्लोवर, जैकोब बैटलॉन, लॉरा हैरियर, टोनी रेवोलोरी, बुकिम वर्डबाइन, टाइन डेली, मैरसा टोमी, रॉबर्ट डॉन जूनियर और इस मूवी को सिनेमेटोग्राफी किए हैं सेल्वेटोर टोटिनो और इस मूवी को एडिट किए हैं डैन लेबेंटेल, डेबी बर्मन और इस मूवी में म्यूजिक दिए हैं माइकल गियाचिनो और इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी है कोलंबिया पिक्चर्स, मार्वल स्टूडियोज, पास्केल पिक्चर्स और इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट की है सोनी पिक्चर्स रिलीजिंग और ये मूवी 28 जून 2017 को हॉलीवुड में रिलीज़ हुई और 7 जुलाई 2017 को यूनाइटेड स्टेट्स में रिलीज़ हुई और इसका रनिंग टाइम रहा 133 मिनट्स और ये यूनाइटेड स्टेट्स की इंग्लिश लैंग्वेज वाली मूवी है जो कि $175 मिलियन में बनी और इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन $880.2 मिलियन रहा। तो फ्रेंड्स, इस मूवी के कास्ट के बारे में बात करें तो फ्रेंड्स, हमें इस मूवी में टॉम हॉलैंड एज पीटर पार्कर और स्पाइडरमैन के रोल में नज़र आए और माइकल कीटन एज एड्रिन टोमेस और वल्चूर के रोल में नज़र आए और जॉन फेवरियो एज हैप्पी हॉगन के रोल में और ग्विनेथ पैल्ट्रो एज पीपर पोट्स के रोल में और जिंडाया एज मिकेला के रोल में और डोनाल्ड ग्लोवर एज एरोन डेविस के रोल में और जैकोब बैटलॉन एज नेड के रोल में और लॉरा हैरियर एज लीज के रोल में और टोनी रिवॉलरी एज फ्लैश के रोल में और बुकिम वुडबाइन एज हर्मन स्कल्ट्स और सॉकर के रोल में और टाइनी डेली एज एनी मैरी होइज के रोल में और मैरिसा टॉमी एज मे पार्कर के रोल में और रॉबर्ट डॉनी जूनियर एज टोनी स्टार्क और आयरन मैन के रोल में। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसे लग रही है? अगर अच्छी लग रही है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और बुरी लग रही है तो ज़रूर डिसलाइक कर सकते हैं। तो चलिए इस मूवी की स्टोरी के बारे में जानते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि मैं आपको इस मूवी का टोटल स्टोरी इस वीडियो में नहीं बताने वाला हूं। तो फ्रेंड्स, स्टोरी स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, 2012 में न्यूयॉर्क की लड़ाई के बाद एड्रियन टोमस और उनकी बचाव कंपनी को शहर को साफ करने के लिए अनुबंधित किया गया है, लेकिन उनके संचालन को नुकसान नियंत्रित विभाग DODS द्वारा लिया गया है जो टोनी स्टार्क और ओरो के बीच एक साझेदारी है। अमेरिकी सरकार व्यवसाय से बाहर किए जाने पर क्रोधित टॉम्स ने अपने कर्मचारियों को चितौरी तकनीकी को रखने के लिए राजी किया जिसे वे पहले से ही परिमार्जन कर चुके हैं और इसका उपयोग उन्नति हथियार बनाने और बेचने के लिए करते हैं, जिसमें एक उड़ने वाला गिद्ध सूट भी शामिल है जिसका उपयोग टॉम्स चितौरी बिजली कोशिकाओं को चुराने के लिए करता है। 8 साल बाद
पीटर पार्कर को बर्लिन में एक आंतरिक विवाद में मदद करने के लिए स्टार्क द्वारा एवेंजर्स में शामिल किया गया है, लेकिन मिडटाउन स्कूल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में अपनी पढ़ाई फिर से शुरू करता है जब स्टार्क उससे बताता है कि वह अभी तक नहीं है कि एक पूर्ण बदला लेने वाले बनने के लिए तैयार। पार्कर स्पाइडरमैन के रूप में अपने अपराध से लड़ने वाली गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए अधिक समय बिताने के लिए अपने स्कूल की शैक्षणिक डेक्टाथलॉन टीम छोड़ देता है। उसका सबसे अच्छा दोस्त नेड अतः उसकी गुप्त पहचान का पता लगाता है। पार्कर टूम्स की सहयोगियों जैक्सन ब्राइस सॉकर और हरमन सुल्तस को स्थानीय अपराधी ऑरन डेविड डेविस को हथियार बेचते हुए देखता है। पार्कर डेविस को गीथ के सूट में टॉम्स द्वारा पकड़े जाने से पहले बचाता है और एक झील में गिरा दिया जाता है, जो उसके सूट में बने पैरासूट में उलझने के बाद लगभग डूब जाता है। उसे स्टार्क द्वारा बचाया जाता है, जो पार्कर को दिए गए स्पाइडरमैन सूट की निगरानी कर रहा है और उसे अपराधियों के साथ आगे की भागीदारी के खिलाफ चेतावनी देता है। टूम्स गलती से ब्राइस को उनके एक हथियार से मार देता है और सुल्तस नया सॉकर बन जाता है। पार्कर और नेड एक साथ हथियार का अध्ययन करते हैं जो ब्राइस ने पीछे छोड़ दिया, जिससे उसका परिवार हटा दिया गया। जब सुल्तस पर एक ट्रैकिंग डिवाइस मैरीलैंड की ओर जाता है तो पार्कर डेक्थलॉन टीम में फिर से शामिल हो जाता है और उनके साथ उनके राष्ट्रीय टूर्नामेंट के लिए वाशिंगटन डीसी जाता है। नेड और पार्कर स्पाइडरमैन सूट में लगाए गए ट्रैकर स्टार को अक्षम करते हैं और इसकी उत्तरित सुविधाओं को अनलॉक करते हैं। पार्कर टूम्स को डीओडी स्ट्रक से हथियार चुराने से रोकने की कोशिश करता है, लेकिन अंदर ही फंस जाता है, जिससे वो डेक्टोसोलन टूर्नामेंट से चूक जाता है। जब उसे पता चलता है कि पावर कोर एक स्थिर चित्तौर ग्रेनेड है तो वह वाशिंगटन स्मारक के लिए दौड़ता है, जहां कोर फट जाता है और नेड और उनके दोस्त को एक लिफ्ट में फंसा देता है। पार्कर उन्हें बचाता है, जिसमें उसका सहपाठी भी शामिल है, और लीज को कुचल देता है। कुछ दिनों बाद न्यूयॉर्क शहर में स्वार्टेंट आइलैंड फेरी पार्कर टॉम्स के नए खरीदार मैक गॉर्गन को पकड़ लेता है, लेकिन टॉम्स भाग जाता है और एक खराब हथियार फेरी को आधा कर देता है। स्टॉर्क यात्रियों को बचाने में पार्कर की मदद करता है और उसकी लापरवाही के लिए सजा के रूप में उसका मुकदमा जब्त कर लेता है। तो फ्रेंड्स, आगे की स्टोरी जानने के लिए आपको स्पाइडरमैन होमकमिंग इस मूवी को देखना होगा। तो फ्रेंड्स, अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हैं तो फ्रेंड्स, ये अमेज़ॉन प्राइम पर अवेलेबल है, बट आपको इस मूवी को देखने के लिए 69 रुपीज़ पे करना होगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस कर ऑल को सेलेक्ट कर सकते हैं, जिससे हमारे आने वाली हर एक नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे और आप हमारे चैनल से जुड़े रहें और हमारे वीडियो में बने रहें। और फ्रेंड्स, आप हमारे वीडियो को अंत तक जरूर देखें और हमारे वीडियो को देखते रहें। हे फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्पाइडरमैन होमकमिंग मूवी के बारे में। तो फ्रेंड्स, इस मूवी की आईएमडीबी रेटिंग के बारे में बात करें तो फ्रेंड्स, इस मूवी को आईएमडीबी ने 7.4 आउट ऑफ 10 रेटिंग दिया है और इसे 82% गूगल यूजर्स ने भी लाइक किया है। तो फ्रेंड्स, स्पाइडरमैन होमकमिंग ये 2017 की अमेरिकन सुपर हीरो फिल्म, जो कि बेस्ड है मार्वल कॉमिक पर सेम कैरेक्टर स्पाइडरमैन पर। तो फ्रेंड्स, इस मूवी को डायरेक्ट किए हैं जॉन वॉट्स और इस मूवी को में स्क्रीन प्ले दिए हैं जॉनथन गोल्डस्टीन, जॉन फ्रांसिस डेले, जॉन वॉट्स, क्रिस्टोफर फॉर्ड, क्रिस मैककेनन, इर्क सॉमर्स और इस मूवी में स्टोरेज दिए हैं जॉनथन गोल्डस्टीन, जॉन फ्रांसिस डेले और ये मूवी बेस्ड है स्पाइडरमैन जो कि स्टेली स्टीव डिटको की है और इस मूवी को प्रोड्यूस किए हैं केविन फोएग, फेजी एमी पास्केल और इस मूवी की स्टारिंग है टॉम हॉलैंड, माइकल कीटन, जॉन फेवरियो, ग्विनेथ पाल्ट्रो, जेंडाया, डोनाल्ड ग्लोवर, जैकोब बैटलॉन, लॉरा हैरियर, टोनी रेवोलोरी, बुकिम वर्ल्डबाइन, टाइन डेली, मैरसा टोमी, रॉबर्ट डॉन जूनियर और इस मूवी को सिनेमेटोग्राफी किए हैं सेल्वेटोर टोटिनो और इस मूवी को एडिट किए हैं डैन लेबेंटेल, डेबी बर्मन और इस मूवी में म्यूजिक दिए हैं माइकल गियाचिनो और इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी है कोलंबिया पिक्चर्स, मार्वल स्टूडियोज़,
पास्केल पिक्चर्स, और इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट की है सोनी पिक्चर्स रिलीजिंग। और ये मूवी 28 जून 2017 को हॉलीवुड में रिलीज़ हुई और 7 जुलाई 2017 को यूनाइटेड स्टेट्स में रिलीज़ हुई। और इसका रनिंग टाइम रहा 133 मिनट्स। और ये यूनाइटेड स्टेट्स की इंग्लिश लैंग्वेज वाली मूवी है जो कि $175 मिलियन में बनी और इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन $880.2 मिलियन रहा। तो फ्रेंड्स, इस मूवी की कास्ट के बारे में बात करें तो फ्रेंड्स, हमें इस मूवी में टॉम हॉलैंड एज पीटर पार्कर और स्पाइडरमैन के रोल में नज़र आए, और माइकल कीटन एज एड्रिन टॉमस और वल्चर के रोल में नज़र आए, और जॉन फेवरी एज हैप्पी हॉगन के रोल में, और ग्विनेथ पैल्ट्रो एज पीपर पोट्स के रोल में, और जिंडाया एज मिकेला के रोल में, और डोनाल्ड ग्लोवर एज एरोन डेविस के रोल में, और जैकब बैटलोन एज नेट के रोल में, और लॉरा हैरियर एज लीज के रोल में, और टोनी रिवॉलरी एज फ्लैश के रोल में, और बुकिम वुडबाइन एज हेयरमैन स्कल्ट्स और सॉकर के रोल में, और टाइनी डेली एज एनी मैरी होज के रोल में, और मैरिसा टॉमी एज मे पार्कर के रोल में, और रॉबर्ट डॉनी जूनियर एज टोनी स्टार्क और आयरन मैन के रोल में। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसी लग रही है? अगर अच्छी लग रही है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और बुरी लग रही है तो ज़रूर डिसलाइक कर सकते हैं। तो चलिए इस मूवी की स्टोरी के बारे में जानते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि मैं आपको इस मूवी का टोटल स्टोरी इस वीडियो में नहीं बताने वाला हूं। तो फ्रेंड्स, स्टोरी स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, 2012 में न्यूयॉर्क की लड़ाई के बाद एड्रिन टॉमस और उनकी बचाव कंपनी को शहर को साफ करने के लिए अनुबंधित किया गया है, लेकिन उनके संचालन को नुकसान नियंत्रित विभाग DODS द्वारा लिया गया है, जो टोनी स्टार्क और ओरो के बीच एक साझेदारी है। अमेरिकी सरकार व्यवसाय से बाहर किए जाने पर क्रोधित टॉम्स ने अपने कर्मचारियों को चितौरी तकनीकी को रखने के लिए राजी किया, जिसे वे पहले से ही परिमार्जन कर चुके हैं और इसका उपयोग उन्नति हथियार बनाने और बेचने के लिए करते हैं, जिसमें एक उड़ने वाला गिद्ध सूट भी शामिल है। इसका उपयोग टॉम्स चितौरी बिजली कोशिकाओं को चुराने के लिए करता है। 8 साल बाद पीटर पार्कर को बर्लिन में एक आंतरिक विवाद में मदद करने के लिए स्टार्क द्वारा एवेंजर्स में शामिल किया गया है, लेकिन मिडटाउन स्कूल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में अपनी पढ़ाई फिर से शुरू करता है जब स्टार्क उससे बताता है कि वह अभी तक नहीं है कि एक पूर्ण बदला लेने वाले बनने के लिए तैयार। पार्कर स्पाइडरमैन के रूप में अपने अपराध से लड़ने वाली गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए अधिक समय बिताने के लिए अपने स्कूल की शैक्षणिक डेक्टाथलॉन टीम छोड़ देता है। उसका सबसे अच्छा दोस्त नेड अतः उसकी गुप्त पहचान का पता लगाता है। पार्कर टूम्स के सहयोगियों जैक्सन ब्राइस सॉकर और हरमन सुल्तस को स्थानीय अपराधी ओरन डेविस को हथियार बेचते हुए देखता है। पार्कर डेविस को गीत के सूट में टॉम्स द्वारा पकड़े जाने से पहले बचाता है और एक झील में गिरा दिया जाता है, जो उसके सूट में बने पैरासूट में उलझने के बाद लगभग डूब जाता है। उसे स्टार्क द्वारा बचाया जाता है, जो पार्कर को दिए गए स्पाइडरमैन सूट की निगरानी कर रहा है और उसे अपराधियों के साथ आगे की भागीदारी के खिलाफ चेतावनी देता है। टूम्स गलती से ब्राइस को उनके एक हथियार से मार देता है और सुल्तस नया सॉकर बन जाता है। पार्कर और नेड एक साथ हथियार का अध्ययन करते हैं जो ब्राइस ने पीछे छोड़ दिया, जिससे उसका परिवार हटा दिया गया। जब सुल्तस पर एक ट्रैकिंग डिवाइस मैरीलैंड की ओर जाता है तो पार्कर डेक्थलॉन टीम में फिर से शामिल हो जाता है और उनके साथ उनके राष्ट्रीय टूर्नामेंट के लिए वाशिंगटन DC जाता है। नेड और पार्कर स्पाइडरमैन सूट में लगाए गए ट्रैकर स्टॉल को अक्षम करते हैं और इसकी उत्तरित सुविधाओं को अनलॉक करते हैं। पार्कर टूम्स को DOD ट्रक से हथियार चुराने से रोकने की कोशिश करता है, लेकिन अंदर ही फंस जाता है, जिससे वो डेक्थलॉन टूर्नामेंट से चूक जाता है। जब उसे पता चलता है कि पावर कोर एक स्थिर चित्तौर ग्रेनेड है तो वह वाशिंगटन स्मारक के लिए दौड़ता है, जहां कोर फट जाता है और नेड और उनके दोस्त को एक लिफ्ट में फंसा देता है। पार्कर उन्हें बचाता है, जिसमें उसका सहपाठी भी शामिल है, और लीज को कुचल देता है। कुछ दिनों बाद न्यूयॉर्क शहर में पर्स स्वारस्टेंट आइलैंड फेरी पार्कर टॉम्स के नए खरीदार मैक गॉर्गन को पकड़ लेता है, लेकिन टॉम्स भाग जाता है और एक खराब हथियार फेरी को आधा कर देता है।
स्टॉर्क यात्रियों को बचाने में पार्कर की मदद करता है और उसकी लापरवाही के लिए सजा के रूप में उसका मुकदमा जब्त कर लेता है। तो फ्रेंड्स, आगे की स्टोरी जानने के लिए आपको स्पाइडरमैन होमकमिंग इस मूवी को देखना होगा। तो फ्रेंड्स, अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हैं तो फ्रेंड्स ये अमेज़ॉन प्राइम पर अवेलेबल है, बट आपको इस मूवी को देखने के लिए 69 रुपीज़ पे करना होगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस कर ऑल को सेलेक्ट कर सकते हैं, जिससे हमारे आने वाली हर एक नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे और आप हमारे चैनल से जुड़े रहें और हमारे वीडियो में बने रहें। और फ्रेंड्स, आप हमारे वीडियो को अंत तक जरूर देखें और हमारे वीडियो को देखते रहें। हे फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्पाइडरमैन होमकमिंग मूवी के बारे में। तो फ्रेंड्स, इस मूवी की आईएमडीबी रेटिंग के बारे में बात करें तो फ्रेंड्स, इस मूवी को आईएमडीबी ने 7.4 out of 10 रेटिंग दिया है और इसे 82% गूगल यूजर्स ने भी लाइक किया है। तो फ्रेंड्स, स्पाइडरमैन होमकमिंग ये 2017 की अमेरिकन सुपर हीरो फिल्म जो कि बेस्ड है मार्वल कॉमिक पर सेम कैरेक्टर स्पाइडरमैन पर। तो फ्रेंड्स, इस मूवी को डायरेक्ट किए हैं जॉन वॉट्स और इस मूवी को में स्क्रीन प्ले दिए हैं जॉन थन गोल्डस्टीन, जॉन फ्रांसिस डेली, जॉन वॉट्स, क्रिस्टोफर फॉर्ड, क्रिस मैककेनन, इर्क सॉमर्स और इस मूवी में स्टोरेज ये है जॉनथन गोल्डस्टीन, जॉन फ्रांसिस डेली और ये मूवी बेस्ड है स्पाइडरमैन जो कि स्टेली स्टीव डिटको की है और इस मूवी को प्रोड्यूस किए हैं केविन फोएग, फेजी, एमी पास्केल और इस मूवी की स्टारिंग है टॉम हॉलैंड, माइकल कीटन, जॉन फेवरियो, ग्विनेथ पाल्ट्रो, जेंडाया, डोनाल्ड ग्लोवर, जैकोब बैटलॉन, लॉरा हैरियर, टोनी रेवोलोरी, बुकिम वर्ल्डबाइन, टाइन डेली, मैरसा टोमी, रॉबर्ट डॉन जूनियर और इस मूवी को सिनेमेटोग्राफी किए हैं सेल्वेटोर टोटिनो और इस मूवी को एडिट किए हैं डैन लेबेंटेल, डेबी बर्मन और इस मूवी में म्यूजिक दिए हैं माइकल गियाचिनो और इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी है कोलंबिया पिक्चर्स, मार्वल स्टूडियोज, पास्केल पिक्चर्स और इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट की है सोनी पिक्चर्स रिलीजिंग और ये मूवी 28 जून 2017 को हॉलीवुड में रिलीज हुई और 7 जुलाई 2017 को यूनाइटेड स्टेट्स में रिलीज हुई और इसका रनिंग टाइम रहा 133 मिनट्स और ये यूनाइटेड स्टेट्स की इंग्लिश लैंग्वेज वाली मूवी है जो कि $175 मिलियन में बनी और इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन $880.2 मिलियन रहा। तो फ्रेंड्स, इस मूवी के कास्ट के बारे में बात करें तो फ्रेंड्स, हमें इस मूवी में टॉम हॉलैंड एज पीटर पार्कर और स्पाइडरमैन के रोल में नज़र आए और माइकल कीटन एज एड्रिन टोमेस और वल्चर के रोल में नज़र आए और जॉन फेवरियो एज हैप्पी हॉगन के रोल में और ग्विनेथ पैल्ट्रो एज पीपर पोट्स के रोल में और जिंडाया एज मिकेला के रोल में और डोनाल्ड ग्लोवर एज एरोन डेविस के रोल में और जैकोब बैटलॉन एज नेट के रोल में और लॉरा हैरियर एज लीज के रोल में और टोनी रिवॉलरी एज फ्लैश के रोल में और बुकिम वुडबाइन एज हर्मन स्कल्ट्स और सॉकर के रोल में और टाइनी डेली एज एनी मैरी होज के रोल में और मैरिसा टॉमी एज मे पार्कर के रोल में और रॉबर्ट डॉनी जूनियर एज टोनी स्टार्क और आयरन मैन के रोल में। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसे लग रही है? अगर अच्छी लग रही है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और बुरी लग रही है तो ज़रूर डिसलाइक कर सकते हैं। तो चलिए इस मूवी की स्टोरी के बारे में जानते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि मैं आपको इस मूवी का टोटल स्टोरी इस वीडियो में नहीं बताने वाला हूं। तो फ्रेंड्स, स्टोरी स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, 2012 में न्यूयॉर्क की लड़ाई के बाद एड्रियन टोमस और उनकी बचाव कंपनी को शहर को साफ करने के लिए अनुबंधित किया गया है, लेकिन उनके संचालन को नुकसान नियंत्रित विभाग DODS द्वारा लिया गया है जो टोनी स्टार्क और औरों के बीच एक साझेदारी है। अमेरिकी सरकार व्यवसाय से बाहर किए जाने पर क्रोधित टॉम्स ने अपने कर्मचारियों को चितौरी तकनीकी को रखने के लिए राजी किया जिसे वे पहले से ही परिमार्जन कर चुके हैं और इसका उपयोग उन्नति हथियार बनाने और बेचने के लिए करते हैं जिसमें एक उड़ने वाला गिद्ध सूट भी शामिल है। इसका उपयोग टॉम्स चितौरी बिजली कोशिकाओं को चुराने के लिए करता है। 8 साल बाद पीटर पार्कर को बर्लिन में एक आंतरिक विवाद में मदद करने के लिए स्टार्क द्वारा एवेंजर्स में शामिल किया गया है, लेकिन मिडटाउन स्कूल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में अपनी पढ़ाई फिर से शुरू करता है जब स्टार्क उससे बताता है कि वह अभी तक नहीं है कि एक पूर्ण बदला लेने वाले बनने के लिए तैयार। पार्कर स्पाइडरमैन के रूप में अपने अपराध से लड़ने वाली
गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए अधिक समय बिताने के लिए अपने स्कूल की शैक्षणिक डेक्टाथलॉन टीम छोड़ देता है। उसका सबसे अच्छा दोस्त नेड अतः उसकी गुप्त पहचान का पता लगाता है। पार्कर टूम्स की सहयोगियों जैक्सन ब्राइस सॉकर और हरमन सुल्तस को स्थानीय अपराधी ऑरन डेविड डेविस को हथियार बेचते हुए देखता है। पार्कर डेविस को गीत के सूट में टॉम्स द्वारा पकड़े जाने से पहले बचाता है और एक झील में गिरा दिया जाता है, जो उसके सूट में बने पैरासूट में उलझने के बाद लगभग डूब जाता है। उसे स्टार्क द्वारा बचाया जाता है, जो पार्कर को दिए गए स्पाइडरमैन सूट की निगरानी कर रहा है और उसे अपराधियों के साथ आगे की भागीदारी के खिलाफ चेतावनी देता है। टूम्स गलती से ब्राइस को उनके एक हथियार से मार देता है और सुल्तस नया सॉकर बन जाता है। पार्कर और नेड एक साथ हथियार का अध्ययन करते हैं जो ब्राइस ने पीछे छोड़ दिया, जिससे उसका परिवार हटा दिया गया। जब सुल्तस पर एक ट्रैकिंग डिवाइस मैरीलैंड की ओर जाता है तो पार्कर डेक्थलॉन टीम में फिर से शामिल हो जाता है और उनके साथ उनके राष्ट्रीय टूर्नामेंट के लिए वाशिंगटन डीसी जाता है। नेड और पार्कर स्पाइडरमैन सूट में लगाए गए ट्रैकर स्टार को अक्षम करते हैं और इसकी उत्तरित सुविधाओं को अनलॉक करते हैं। पार्कर टूम्स को डीओडी स्ट्रक से हथियार चोरने से रोकने की कोशिश करता है, लेकिन अंदर ही फंस जाता है, जिससे वो डेक्थलॉन टूर्नामेंट से चूक जाता है। जब उसे पता चलता है कि पावर कोर एक स्थिर चित्तौर ग्रेनेड है, तो वह वाशिंगटन स्मारक के लिए दौड़ता है, जहां कोर फट जाता है और नेड और उनके दोस्त को एक लिफ्ट में फंसा देता है। पार्कर उन्हें बचाता है, जिसमें उसका सहपाठी भी शामिल है, और लीज को कुचल देता है। कुछ दिनों बाद न्यूयॉर्क शहर में पर्स स्वार्टेंट आइलैंड फेरी पार्कर टॉम्स के नए खरीदार मैक गॉर्गन को पकड़ लेता है, लेकिन टॉम्स भाग जाता है और एक खराब हथियार फेरी को आधा कर देता है। स्टॉर्क यात्रियों को बचाने में पार्कर की मदद करता है और उसकी लापरवाही के लिए सजा के रूप में उसका मुकदमा जब्त कर लेता है। तो फ्रेंड्स, आगे की स्टोरी जानने के लिए आपको स्पाइडरमैन होमकमिंग इस मूवी को देखना होगा। तो फ्रेंड्स, अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हैं तो फ्रेंड्स ये अमेज़ॉन प्राइम पर अवेलेबल है, बट आपको इस मूवी को देखने के लिए 69 रुपीज़ पे करना होगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस कर ऑल को सेलेक्ट कर सकते हैं, जिससे हमारे आने वाली हर एक नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे और आप हमारे चैनल से जुड़े रहें और हमारे वीडियो में बने रहें। और फ्रेंड्स, आप हमारे वीडियो को अंत तक जरूर देखें और हमारे वीडियो को देखते रहें। हे फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्पाइडरमैन होमकमिंग मूवी के बारे में। तो फ्रेंड्स, इस मूवी की आईएमडीबी रेटिंग के बारे में बात करें तो फ्रेंड्स, इस मूवी को आईएमडीबी ने 7.4 out of 10 रेटिंग दिया है और इसे 82% गूगल यूजर्स ने भी लाइक किया है। तो फ्रेंड्स, स्पाइडरमैन होमकमिंग ये 2017 की अमेरिकन सुपर हीरो फिल्म, जो कि बेस्ड है मार्वल कॉमिक पर सेम कैरेक्टर स्पाइडरमैन पर। तो फ्रेंड्स, इस मूवी को डायरेक्ट किए हैं जॉन वॉट्स और इस मूवी को में स्क्रीन प्ले दिए हैं जॉनथन गोल्डस्टीन, जॉन फ्रांसिस डेले, जॉन वॉट्स, क्रिस्टोफर फॉर्ड, क्रिस मैककेनन, इर्क सॉमर्स और इस मूवी में स्टोरी दिए हैं जॉनथन गोल्डस्टीन, जॉन फ्रांसिस डेले और ये मूवी बेस्ड है स्पाइडरमैन जो कि स्टेली स्टीव डिटको की है और इस मूवी को प्रोड्यूस किए हैं केविन फोएग, फेजी एमी पास्केल और इस मूवी की स्टारिंग है टॉम हॉलैंड, माइकल कीटन, जॉन फेवरियो, ग्विनेथ पाल्ट्रो, जेंडाया, डोनाल्ड ग्लोवर, जैकोब बैटलॉन, लॉरा हैरियर, टोनी रेवोलोरी, बुकिम वर्डबाइन, टाइन डेली, मैरसा टोमी, रॉबर्ट डॉन जूनियर और इस मूवी को सिनेमेटोग्राफी किए हैं सेल्वेटोर टोटिनो और इस मूवी को एडिट किए हैं डैन लेबेंटेल, डेबी बर्मन और इस मूवी में म्यूजिक दिए हैं माइकल गियाचिनो और इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी है कोलंबिया पिक्चर्स, मार्वल स्टूडियोज, पास्केल पिक्चर्स और इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट की है सोनी पिक्चर्स रिलीजिंग और ये मूवी 28 जून 2017 को हॉलीवुड में रिलीज़ हुई और 7 जुलाई 2017 को यूनाइटेड स्टेट्स में रिलीज़ हुई और इसका रनिंग टाइम रहा 133 मिनट्स और ये यूनाइटेड स्टेट्स की इंग्लिश लैंग्वेज वाली मूवी है जो कि $175 million में बनी और इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन $880.2 million रहा।
तो फ्रेंड्स इस मूवी के कास्ट के बारे में बात करें तो फ्रेंड्स हमें इस मूवी में टॉम हॉलैंड एज पीटर पार्कर और स्पाइडरमैन के रोल में नज़र आए, और माइकल कीटन एज एड्रिन टोमेस और वल्चर के रोल में नज़र आए, और जॉन फेवरी एज हैप्पी हॉगन के रोल में, और ग्विनेथ पैल्ट्रो एज पीपर पोट्स के रोल में, और जिंडाया एज मिकेला के रोल में, और डोनाल्ड ग्लोवर एज एरोन डेविस के रोल में, और जैकोब बैटलोन एज नेट के रोल में, और लॉरा हैरियर एज लीज के रोल में, और टोनी रिवॉलरी एज फ्लैश के रोल में, और बुकिम वुडबाइन एज हर्मन स्कल्ट्स और सॉकर के रोल में, और टाइनी डेली एज एनी मैरी होइज के रोल में, और मैरिसा टॉमी एज मे पार्कर के रोल में, और रॉबर्ट डॉनी जूनियर एज टोनी स्टार्क और आयरन मैन के रोल में। तो फ्रेंड्स आपको ये वीडियो कैसी लग रही है? अगर अच्छी लग रही है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और बुरी लग रही है तो ज़रूर डिसलाइक कर सकते हैं। तो चलिए इस मूवी की स्टोरी के बारे में जानते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि मैं आपको इस मूवी का टोटल स्टोरी इस वीडियो में नहीं बताने वाला हूं। तो फ्रेंड्स स्टोरी स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स 2012 में न्यूयॉर्क की लड़ाई के बाद एड्रिन टोमेस और उनकी बचाव कंपनी को शहर को साफ करने के लिए अनुबंधित किया गया है, लेकिन उनके संचालन को नुकसान नियंत्रित विभाग DODS द्वारा लिया गया है, जो टोनी स्टार्क और ओरो के बीच एक साझेदारी है। अमेरिकी सरकार व्यवसाय से बाहर किए जाने पर क्रोधित टॉम्स ने अपने कर्मचारियों को चितौरी तकनीकी को रखने के लिए राजी किया, जिसे वे पहले से ही परिमार्जन कर चुके हैं और इसका उपयोग उन्नति हथियार बनाने और बेचने के लिए करते हैं, जिसमें एक उड़ने वाला गिद्ध सूट भी शामिल है। इसका उपयोग टॉम्स चितौरी बिजली कोशिकाओं को चुराने के लिए करता है। 8 साल बाद पीटर पार्कर को बर्लिन में एक आंतरिक विवाद में मदद करने के लिए स्टार्क द्वारा एवेंजर्स में शामिल किया गया है, लेकिन मिडटाउन स्कूल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में अपनी पढ़ाई फिर से शुरू करता है। जब स्टार्क उससे बताता है कि वह अभी तक नहीं है कि एक पूर्ण बदला लेने वाले बनने के लिए तैयार, पार्कर स्पाइडरमैन के रूप में अपने अपराध से लड़ने वाली गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए अधिक समय बिताने के लिए अपने स्कूल की शैक्षणिक डेक्टाथलॉन टीम छोड़ देता है। उसका सबसे अच्छा दोस्त नेड अतः उसकी गुप्त पहचान का पता लगाता है। पार्कर टूम्स की सहयोगियों जैक्सन ब्राइस सॉकर और हरमन सुल्तस को स्थानीय अपराधी ओरन डेविस को हथियार बेचते हुए देखता है। पार्कर डेविस को गिद्ध के सूट में टॉम्स द्वारा पकड़े जाने से पहले बचाता है और एक झील में गिरा दिया जाता है, जो उसके सूट में बने पैरासूट में उलझने के बाद लगभग डूब जाता है। उसे स्टार्क द्वारा बचाया जाता है, जो पार्कर को दिए गए स्पाइडरमैन सूट की निगरानी कर रहा है और उसे अपराधियों के साथ आगे की भागीदारी के खिलाफ चेतावनी देता है। टूम्स गलती से ब्राइस को उनके एक हथियार से मार देता है और सुल्तस नया सॉकर बन जाता है। पार्कर और नेड एक साथ हथियार का अध्ययन करते हैं, जो ब्राइस ने पीछे छोड़ दिया, जिससे उसका परिवार हटा दिया गया। जब सुल्तस पर एक ट्रैकिंग डिवाइस मैरीलैंड की ओर जाता है, तो पार्कर डेक्थलॉन टीम में फिर से शामिल हो जाता है और उनके साथ उनके राष्ट्रीय टूर्नामेंट के लिए वाशिंगटन DC जाता है। नेड और पार्कर स्पाइडरमैन सूट में लगाए गए ट्रैकर स्टार को अक्षम करते हैं और इसकी उत्तरित सुविधाओं को अनलॉक करते हैं। पार्कर टूम्स को DOD स्ट्रक से हथियार चुराने से रोकने की कोशिश करता है, लेकिन अंदर ही फंस जाता है, जिससे वो डेक्टोसोलन टूर्नामेंट से चूक जाता है। जब उसे पता चलता है कि पावर कोर एक स्थिर चित्तौर ग्रेनेड है, तो वह वाशिंगटन स्मारक के लिए दौड़ता है, जहाँ कोर फट जाता है और नेड और उनके दोस्त को एक लिफ्ट में फंसा देता है। पार्कर उन्हें बचाता है, जिसमें उसका सहपाठी भी शामिल है, और लीज को कुचल देता है। कुछ दिनों बाद न्यूयॉर्क शहर में स्वार्टेंट आइलैंड फेरी पार्कर टॉम्स के नए खरीदार मैक गॉर्गन को पकड़ लेता है, लेकिन टॉम्स भाग जाता है और एक खराब हथियार फेरी को आधा कर देता है। स्टॉर्क यात्रियों को बचाने में पार्कर की मदद करता है और उसकी लापरवाही के लिए सजा के रूप में उसका मुकदमा जब्त कर लेता है। तो फ्रेंड्स आगे की स्टोरी जानने के लिए आपको स्पाइडरमैन होमकमिंग इस मूवी को देखना होगा। तो फ्रेंड्स अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हैं तो फ्रेंड्स ये अमेज़ॉन प्राइम पर अवेलेबल है, बट आपको इस मूवी को देखने के लिए 69 रुपीज़ पे करना होगा।
तो फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस कर ऑल को सेलेक्ट कर सकते हैं, जिससे हमारे आने वाली हर एक नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे और आप हमारे चैनल से जुड़े रहें और हमारे वीडियो में बने रहें। और फ्रेंड्स आप हमारे वीडियो को अंत तक जरूर देखें और हमारे वीडियो को देखते रहें। हे फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्पाइडरमैन होम कमिंग मूवी के बारे में। तो फ्रेंड्स इस मूवी की आईएमडीबी रेटिंग के बारे में बात करें तो फ्रेंड्स इस मूवी को आईएमडीबी ने 7.4 आउट ऑफ 10 रेटिंग दिया है और इसे 82% गूगल यूजर्स ने भी लाइक किया है। तो फ्रेंड्स स्पाइडरमैन होम कमिंग ये 2017 की अमेरिकन सुपर हीरो फिल्म जो कि बेस्ड है मार्वल कॉमिक पर सेम कैरेक्टर स्पाइडरमैन पर। तो फ्रेंड्स इस मूवी को डायरेक्ट किए हैं जॉन वॉट्स और इस मूवी को में स्क्रीन प्ले दिए हैं जॉनथन गोल्डस्टीन, जॉन फ्रांसिस डेले, जॉन वॉट्स, क्रिस्टोफर फॉर्ड, क्रिस मैककेनन, इर्क सॉमर्स और इस मूवी में स्टोरेज दिए हैं जॉनथन गोल्डस्टीन, जॉन फ्रांसिस डेले और ये मूवी बेस्ड है स्पाइडरमैन जो कि स्टेली स्टीव डिटको की है और इस मूवी को प्रोड्यूस किए हैं केविन फोएग, फेजी एमी पास्केल और इस मूवी की स्टारिंग है टॉम हॉलैंड, माइकल कीटन, जॉन फेवरियो, ग्विनेथ पाल्ट्रो, जेंडाया, डोनाल्ड ग्लोवर, जैकोब बैटलॉन, लॉरा हैरियर, टोनी रेवोलोरी, बुकिम वर्ल्डबाइन, टाइन डेली, मैरसा टोमी, रॉबर्ट डॉन जूनियर और इस मूवी को सिनेमेटोग्राफी किए हैं सेल्वेटोर टोटिनो और इस मूवी को एडिट किए हैं डैन लेबेंटेल, डेबी बर्मन और इस मूवी में म्यूजिक दिए हैं माइकल गियाचिनो और इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी है कोलंबिया पिक्चर्स, मार्वल स्टूडियोज, पास्केल पिक्चर्स और इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट की है सोनी पिक्चर्स रिलीजिंग और ये मूवी 28 जून 2017 को हॉलीवुड में रिलीज़ हुई और 7 जुलाई 2017 को यूनाइटेड स्टेट्स में रिलीज़ हुई और इसका रनिंग टाइम रहा 133 मिनट्स और ये यूनाइटेड स्टेट्स की इंग्लिश लैंग्वेज वाली मूवी है जो कि $175 मिलियन में बनी और इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन $880.2 मिलियन रहा। तो फ्रेंड्स इस मूवी की कास्ट के बारे में बात करें तो फ्रेंड्स हमें इस मूवी में टॉम हॉलैंड एज पीटर पार्कर और स्पाइडरमैन के रोल में नज़र आए और माइकल कीटन एज एड्रिन टोमेस और वल्चूर के रोल में नज़र आए और जॉन फेवरी एज हैप्पी हॉगन के रोल में और ग्विनेथ पैल्ट्रो एज पीपर पोट्स के रोल में और जिंडाया एज मिकेला के रोल में और डोनाल्ड ग्लोवर एज एरोन डेविस के रोल में और जैकोब बैटलॉन एज नेट के रोल में और लॉरा हैरियर एज लीज के रोल में और टोनी रिवॉलरी एज फ्लैश के रोल में और बुकिम वुडबाइन एज हर्मन स्कल्ट्स और सॉकर के रोल में और टाइनी डेली एज एनी मैरी होज के रोल में और मैरिसा टॉमी एज मे पार्कर के रोल में और रॉबर्ट डॉनी जूनियर एज टोनी स्टार्क और आयरन मैन के रोल में। तो फ्रेंड्स आपको ये वीडियो कैसी लग रही है? अगर अच्छी लग रही है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और बुरी लग रही है तो ज़रूर डिसलाइक कर सकते हैं। तो चलिए इस मूवी की स्टोरी के बारे में जानते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि मैं आपको इस मूवी का टोटल स्टोरी इस वीडियो में नहीं बताने वाला हूं। तो फ्रेंड्स स्टोरी स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स 2012 में न्यूयॉर्क की लड़ाई के बाद एड्रियन टोमस और उनकी बचाव कंपनी को शहर को साफ करने के लिए अनुबंधित किया गया है, लेकिन उनके संचालन को नुकसान नियंत्रित विभाग DODS द्वारा लिया गया है जो टोनी स्टार्क और ओरो के बीच एक साझेदारी है। अमेरिकी सरकार व्यवसाय से बाहर किए जाने पर क्रोधित टॉम्स ने अपने कर्मचारियों को चितौरी तकनीकी को रखने के लिए राजी किया जिसे वे पहले से ही परिमार्जन कर चुके हैं और इसका उपयोग उन्नति हथियार बनाने और बेचने के लिए करते हैं जिसमें एक उड़ने वाला गिद्ध सूट भी शामिल है जिसका उपयोग टॉम्स चितौरी बिजली कोशिकाओं को चुराने के लिए करता है। 8 साल बाद पीटर पार्कर को बर्लिन में एक आंतरिक विवाद में मदद करने के लिए स्टार्क द्वारा एवेंजर्स में शामिल किया गया है, लेकिन मिडटाउन स्कूल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में अपनी पढ़ाई फिर से शुरू करता है जब स्टार्क उससे बताता है कि वह अभी तक नहीं है कि एक पूर्ण बदला लेने वाले बनने के लिए तैयार। पार्कर स्पाइडरमैन के रूप में अपने अपराध से लड़ने वाली गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए अधिक समय बिताने के लिए अपने स्कूल की शैक्षणिक डेक्टाथलॉन टीम छोड़ देता है। उसका सबसे अच्छा दोस्त नेड अतः उसकी गुप्त पहचान का पता लगाता है। पार्कर टूम्स के सहयोगियों जैक्सन ब्राइस सॉकर और हरमन सुल्तस को स्थानीय अपराधी
ऑरन डेविस को हथियार बेचते हुए देखता है। पार्कर डेविस को गीत के सूट में टॉम द्वारा पकड़े जाने से पहले बचाता है और एक झील में गिरा दिया जाता है, जो उसके सूट में बने पैरासूट में उलझने के बाद लगभग डूब जाता है। उसे स्टार्क द्वारा बचाया जाता है, जो पार्कर को दिए गए स्पाइडरमैन सूट की निगरानी कर रहा है और उसे अपराधियों के साथ आगे की भागीदारी के खिलाफ चेतावनी देता है। टूम्स गलती से ब्राइस को उनके एक हथियार से मार देता है और सुल्तस नया शॉकर बन जाता है। पार्कर और नेड एक साथ हथियार का अध्ययन करते हैं जो ब्राइस ने पीछे छोड़ दिया, जिससे उसका परिवार हटा दिया गया। जब सुल्तस पर एक ट्रैकिंग डिवाइस मैरीलैंड की ओर जाता है तो पार्कर डैक्थलॉन टीम में फिर से शामिल हो जाता है और उनके साथ उनके राष्ट्रीय टूर्नामेंट के लिए वाशिंगटन DC जाता है। नेड और पार्कर स्पाइडरमैन सूट में लगाए गए ट्रैकर स्टॉर को अक्षम करते हैं और इसकी उत्तरित सुविधाओं को अनलॉक करते हैं। पार्कर टूम्स को DOD ट्रक से हथियार चुराने से रोकने की कोशिश करता है, लेकिन अंदर ही फंस जाता है, जिससे वो डेक्टोसोलन टूर्नामेंट से चूक जाता है। जब उसे पता चलता है कि पावर कोर एक स्थिर चित्तौर ग्रेनेड है, तो वह वाशिंगटन स्मारक के लिए दौड़ता है, जहां कोर फट जाता है और नेड और उनके दोस्त को एक लिफ्ट में फंसा देता है। पार्कर उन्हें बचाता है, जिसमें उसका सहपाठी भी शामिल है, और लीज को कुचल देता है। कुछ दिनों बाद न्यूयॉर्क शहर में पर्स स्वार्टेंट आइलैंड फेरी पार्कर टॉम्स के नए खरीदार मैक गॉर्गन को पकड़ लेता है, लेकिन टॉम्स भाग जाता है और एक खराब हथियार फेरी को आधा कर देता है। स्टॉर्क यात्रियों को बचाने में पार्कर की मदद करता है और उसकी लापरवाही के लिए सजा के रूप में उसका मुकदमा जब्त कर लेता है। तो फ्रेंड्स, आगे की स्टोरी जानने के लिए आपको स्पाइडरमैन होमकमिंग इस मूवी को देखना होगा। तो फ्रेंड्स, अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हैं तो फ्रेंड्स, ये अमेज़ॉन प्राइम पर अवेलेबल है, बट आपको इस मूवी को देखने के लिए 69 रुपीज़ पे करना होगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस कर ऑल को सेलेक्ट कर सकते हैं, जिससे हमारे आने वाली हर एक नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे और आप हमारे चैनल से जुड़े रहे और हमारे वीडियो में बने रहे। और फ्रेंड्स, आप हमारे वीडियो को अंत तक जरूर देखें और हमारे वीडियो को देखते रहें। हे फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्पाइडरमैन होमकमिंग मूवी के बारे में। तो फ्रेंड्स, इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में बात करें तो फ्रेंड्स, इस मूवी को IMDb ने 7.4 आउट ऑफ 10 रेटिंग दिया है और इसे 82% गूगल यूजर्स ने भी लाइक किया है। तो फ्रेंड्स, स्पाइडरमैन होमकमिंग ये 2017 की अमेरिकन सुपर हीरो फिल्म, जो कि बेस्ड है मार्वल कॉमिक पर सेम कैरेक्टर स्पाइडरमैन पर। तो फ्रेंड्स, इस मूवी को डायरेक्ट किए हैं जॉन वॉट्स और इस मूवी को में स्क्रीन प्ले दिए हैं जॉन थन गोल्डस्टीन, जॉन फ्रांसिस डेली, जॉन वॉट्स, क्रिस्टोफर फॉर्ड, क्रिस मैककेनन, इर्क सॉमर्स और इस मूवी में स्टोरेज ये है जॉनथन गोल्डस्टेन, जॉन फ्रांसिस डेली और ये मूवी बेस्ड है स्पाइडरमैन जो कि स्टेली स्टीव डिटको की है और इस मूवी को प्रोड्यूस किए हैं केविन फोएग, फेजी, एमी पास्केल और इस मूवी की स्टारिंग है टॉम हॉलैंड, माइकल कीटन, जॉन फेवरियो, ग्विनेथ पाल्ट्रो, जेंडाया, डोनाल्ड ग्लोवर, जैकोब बैटलॉन, लॉरा हैरियर, टोनी रेवोलोरी, बुकिम वर्ल्डबाइन, टाइन डेली, मैरसा टोमी, रॉबर्ट डॉन जूनियर और इस मूवी को सिनेमेटोग्राफी किए हैं सेल्वेटोर टोटिनो और इस मूवी को एडिट किए हैं डैन लेबेंटेल, डेबी बर्मन और इस मूवी में म्यूजिक दिए हैं माइकल गियाचिनो और इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी है कोलंबिया पिक्चर्स, मार्वल स्टूडियोज, पास्केल पिक्चर्स और इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट की है सोनी पिक्चर्स रिलीजिंग और ये मूवी 28 जून 2017 को हॉलीवुड में रिलीज हुई और 7 जुलाई 2017 को यूनाइटेड स्टेट्स में रिलीज हुई और इसका रनिंग टाइम रहा 133 मिनट्स और ये यूनाइटेड स्टेट्स की इंग्लिश लैंग्वेज वाली मूवी है जो कि $175 मिलियन में बनी और इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन $880.2 मिलियन रहा। तो फ्रेंड्स, इस मूवी के कास्ट के बारे में बात करें तो फ्रेंड्स, हमें इस मूवी में टॉम हॉलैंड एज पीटर पार्कर और स्पाइडरमैन के रोल में नज़र आए और माइकल कीटन एज एड्रिन टोमेस और वल्चर के रोल में नज़र आए और जॉन फेवरियो एज हैप्पी हॉगन के रोल में और ग्विनेथ पैल्ट्रो एज पीपर पोट्स के रोल में और जिंडाया एज माइक मिकेला के रोल में
और डोनाल्ड ग्लोवर एज एरोन डेविस के रोल में, और जैकब बैटलोन एज नेड के रोल में, और लॉरा हैरियर एज लीज के रोल में, और टोनी रिवॉलरी एज फ्लैश के रोल में, और बुकिम वुडबाइन एज हर्मन स्कल्ट्स और सॉकर के रोल में, और टाइनी डेली एज एनी मैरी होज के रोल में, और मैरिसा टॉमी एज मे पार्कर के रोल में, और रॉबर्ट डॉनी जूनियर एज टोनी स्टार्क और आयरन मैन के रोल में। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसे लग रही है? अगर अच्छी लग रही है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और बुरी लग रही है तो ज़रूर डिसलाइक कर सकते हैं। तो चलिए इस मूवी की स्टोरी के बारे में जानते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि मैं आपको इस मूवी का टोटल स्टोरी इस वीडियो में नहीं बताने वाला हूं। तो फ्रेंड्स, स्टोरी स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, 2012 में न्यूयॉर्क की लड़ाई के बाद एंड्रियन टॉमस और उनकी बचाव कंपनी को शहर को साफ करने के लिए अनुबंधित किया गया है, लेकिन उनके संचालन को नुकसान नियंत्रित विभाग DODS द्वारा लिया गया है, जो टोनी स्टार्क और ओरो के बीच एक साझेदारी है। अमेरिकी सरकार व्यवसाय से बाहर किए जाने पर क्रोधित टॉम्स ने अपने कर्मचारियों को चितौरी तकनीकी को रखने के लिए राजी किया, जिसे वे पहले से ही परिमार्जन कर चुके हैं और इसका उपयोग उन्नति हथियार बनाने और बेचने के लिए करते हैं, जिसमें एक उड़ने वाला गिद्ध सूट भी शामिल है। इसका उपयोग टॉम्स चितौरी बिजली कोशिकाओं को चुराने के लिए करता है। 8 साल बाद पीटर पार्कर को बर्लिन में एक आंतरिक विवाद में मदद करने के लिए स्टार्क द्वारा एवेंजर्स में शामिल किया गया है, लेकिन मिडटाउन स्कूल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में अपनी पढ़ाई फिर से शुरू करता है। जब स्टार्क उससे बताता है कि वह अभी तक नहीं है कि एक पूर्ण बदला लेने वाले बनने के लिए तैयार, पार्कर स्पाइडरमैन के रूप में अपने अपराध से लड़ने वाली गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए अधिक समय बिताने के लिए अपने स्कूल की शैक्षणिक डेक्टाथलॉन टीम छोड़ देता है। उसका सबसे अच्छा दोस्त नेड अतः उसकी गुप्त पहचान का पता लगाता है। पार्कर टूम्स की सहयोगियों जैक्सन ब्राइस सॉकर और हर्मन सुल्तस को स्थानीय अपराधी ओरन डेविस को हथियार बेचते हुए देखता है। पार्कर डेविस को गिद्ध के सूट में टॉम्स द्वारा पकड़े जाने से पहले बचाता है और एक झील में गिरा दिया जाता है, जो उसके सूट में बने पैरासूट में उलझने के बाद लगभग डूब जाता है। उसे स्टार्क द्वारा बचाया जाता है, जो पार्कर को दिए गए स्पाइडरमैन सूट की निगरानी कर रहा है और उसे अपराधियों के साथ आगे की भागीदारी के खिलाफ चेतावनी देता है। टूम्स गलती से ब्राइस को उनके एक हथियार से मार देता है और सुल्तस नया सॉकर बन जाता है। पार्कर और नेड एक साथ हथियार का अध्ययन करते हैं, जो ब्राइस ने पीछे छोड़ दिया, जिससे उसका परिवार हटा दिया गया। जब सुल्तस पर एक ट्रैकिंग डिवाइस मैरीलैंड की ओर जाता है, तो पार्कर डेक्थलॉन टीम में फिर से शामिल हो जाता है और उनके साथ उनके राष्ट्रीय टूर्नामेंट के लिए वाशिंगटन DC जाता है। नेड और पार्कर स्पाइडरमैन सूट में लगाए गए ट्रैकर स्टार को अक्षम करते हैं और इसकी उत्तरित सुविधाओं को अनलॉक करते हैं। पार्कर टूम्स को DOD ट्रक से हथियार चुराने से रोकने की कोशिश करता है, लेकिन अंदर ही फंस जाता है, जिससे वो डेक्टोथलन टूर्नामेंट से चूक जाता है। जब उसे पता चलता है कि पावर कोर एक स्थिर चित्तौर ग्रेनेड है, तो वह वाशिंगटन स्मारक के लिए दौड़ता है, जहां कोर फट जाता है और नेड और उनके दोस्त को एक लिफ्ट में फंसा देता है। पार्कर उन्हें बचाता है, जिसमें उसका सहपाठी भी शामिल है, और लीज को कुचल देता है। कुछ दिनों बाद न्यूयॉर्क शहर में स्टेंट आइलैंड फेरी पार्कर टॉम्स के नए खरीदार मैक गॉर्गन को पकड़ लेता है, लेकिन टॉम्स भाग जाता है और एक खराब हथियार फेरी को आधा कर देता है। स्टॉर्क यात्रियों को बचाने में पार्कर की मदद करता है और उसकी लापरवाही के लिए सजा के रूप में उसका मुकदमा जब्त कर लेता है। तो फ्रेंड्स, आगे की स्टोरी जानने के लिए आपको स्पाइडरमैन होमकमिंग इस मूवी को देखना होगा। तो फ्रेंड्स, अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हैं तो फ्रेंड्स, ये अमेज़ॉन प्राइम पर अवेलेबल है, बट आपको इस मूवी को देखने के लिए 69 रुपीज़ पे करना होगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस कर ऑल को सेलेक्ट कर सकते हैं, जिससे हमारे आने वाली हर एक नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे और आप हमारे चैनल से जुड़े रहें और हमारे वीडियो में बने रहें। और फ्रेंड्स, आप हमारे वीडियो को अंत तक जरूर देखें और हमारे वीडियो को देखते रहें। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं
स्पाइडरमैन होम कमिंग मूवी के बारे में। तो फ्रेंड्स इस मूवी की आईएमडीबी रेटिंग के बारे में बात करें तो फ्रेंड्स इस मूवी को आईएमडीबी ने 7.4 आउट ऑफ 10 रेटिंग दिया है और इसे 82% गूगल यूजर्स ने भी लाइक किया है। तो फ्रेंड्स स्पाइडरमैन होम कमिंग ये 2017 की अमेरिकन सुपर हीरो फिल्म जो कि बेस्ड है मार्वल कॉमिक पर सेम कैरेक्टर स्पाइडरमैन पर। तो फ्रेंड्स इस मूवी को डायरेक्ट किए हैं जॉन वॉट्स और इस मूवी को में स्क्रीन प्ले दिए हैं जॉनथन गोल्डस्टीन, जॉन फ्रांसिस डेले, जॉन वॉट्स, क्रिस्टोफर फॉर्ड, क्रिस मैककेनन, इर्क सॉमर्स और इस मूवी में स्टोरी दिए हैं जॉनथन गोल्डस्टीन, जॉन फ्रांसिस डेले और ये मूवी बेस्ड है स्पाइडरमैन जो कि स्टेली स्टीव डिटको की है और इस मूवी को प्रोड्यूस किए हैं केविन फोएग, फेजी, एमी पास्केल और इस मूवी की स्टारिंग है टॉम हॉलैंड, माइकल कीटन, जॉन फेवरियो, ग्विनेथ पाल्ट्रो, जेंडाया, डोनाल्ड ग्लोवर, जैकोब बैटलॉन, लॉरा हैरियर, टोनी रेवोलोरी, बुकिम वर्डबाइन, टाइन डेली, मैरिशा टोमी, रॉबर्ट डॉन जूनियर और इस मूवी को सिनेमेटोग्राफी किए हैं सेल्वेटोर टोटिनो और इस मूवी को एडिट किए हैं डैन लेबेंटेल, डेबी बर्मन और इस मूवी में म्यूजिक दिए हैं माइकल गियाचिनो और इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी है कोलंबिया पिक्चर्स, मार्वल स्टूडियोज, पास्केल पिक्चर्स और इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट की है सोनी पिक्चर्स रिलीजिंग और ये मूवी 28 जून 2017 को हॉलीवुड में रिलीज़ हुई और 7 जुलाई 2017 को यूनाइटेड स्टेट्स में रिलीज़ हुई और इसका रनिंग टाइम रहा 133 मिनट्स और ये यूनाइटेड स्टेट्स की इंग्लिश लैंग्वेज वाली मूवी है जो कि $175 मिलियन में बनी और इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन $880.2 मिलियन रहा। तो फ्रेंड्स इस मूवी के कास्ट के बारे में बात करें तो फ्रेंड्स हमें इस मूवी में टॉम हॉलैंड एज पीटर पार्कर और स्पाइडरमैन के रोल में नज़र आए और माइकल कीटन एज एड्रिन टोमेस और वल्चर के रोल में नज़र आए और जॉन फेवरियो एज हैप्पी हॉगन के रोल में और ग्विनेथ पैल्ट्रो एज पीपर पोट्स के रोल में और जिंडाया एज मिकेला के रोल में और डोनाल्ड ग्लोवर एज एरोन डेविस के रोल में और जैकोब बैटलॉन एज नेट के रोल में और लॉरा हैरियर एज लीज के रोल में और टोनी रिवॉलरी एज फ्लैश के रोल में और बुकिम वुडबाइन एज हर्मन स्कल्ट्स और सॉकर के रोल में और टाइनी डेली एज एनी मैरी होइज के रोल में और मैरिसा टॉमी एज मे पार्कर के रोल में और रॉबर्ट डॉनी जूनियर एज टोनी स्टार्क और आयरन मैन के रोल में। तो फ्रेंड्स आपको ये वीडियो कैसी लग रही है? अगर अच्छी लग रही है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और बुरी लग रही है तो ज़रूर डिसलाइक कर सकते हैं। तो चलिए इस मूवी की स्टोरी के बारे में जानते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि मैं आपको इस मूवी का टोटल स्टोरी इस वीडियो में नहीं बताने वाला हूं। तो फ्रेंड्स स्टोरी स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स 2012 में न्यूयॉर्क की लड़ाई के बाद एड्रियन टोमस और उनकी बचाव कंपनी को शहर को साफ करने के लिए अनुबंधित किया गया है लेकिन उनके संचालन को नुकसान नियंत्रित विभाग DODS द्वारा लिया गया है जो टोनी स्टार्क और ओरो के बीच एक साझेदारी है। अमेरिकी सरकार व्यवसाय से बाहर किए जाने पर क्रोधित टॉम्स ने अपने कर्मचारियों को चितौरी तकनीकी को रखने के लिए राजी किया जिसे वे पहले से ही परिमार्जन कर चुके हैं और इसका उपयोग उन्नति हथियार बनाने और बेचने के लिए करते हैं जिसमें एक उड़ने वाला गिद्ध सूट भी शामिल है जिसका उपयोग टॉम्स चितौरी बिजली कोशिकाओं को चुराने के लिए करता है। 8 साल बाद पीटर पार्कर को बर्लिन में एक आंतरिक विवाद में मदद करने के लिए स्टार्क द्वारा एवेंजर्स में शामिल किया गया है लेकिन मिडटाउन स्कूल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में अपनी पढ़ाई फिर से शुरू करता है जब स्टार्क उससे बताता है कि वह अभी तक नहीं है कि एक पूर्ण बदला लेने वाले बनने के लिए तैयार। पार्कर स्पाइडरमैन के रूप में अपने अपराध से लड़ने वाली गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए अधिक समय बिताने के लिए अपने स्कूल की शैक्षणिक डेक्टाथलॉन टीम छोड़ देता है। उसका सबसे अच्छा दोस्त नेड अतः उसकी गुप्त पहचान का पता लगाता है। पार्कर टूम्स की सहयोगियों जैक्सन ब्राइस सॉकर और हर्मन सुल्तस को स्थानीय अपराधी ओरन डेविस को हथियार बेचते हुए देखता है। पार्कर डेविस को गिद्ध के सूट में टॉम्स द्वारा पकड़े जाने से पहले बचाता है और एक झील में गिरा दिया जाता है जो उसके सूट में बने पैरासूट में उलझने के बाद लगभग डूब जाता है। उसे स्टार्क द्वारा बचाया जाता है जो पार्कर को दिए गए स्पाइडरमैन सूट की निगरानी कर रहा है और उसे अपराधियों के साथ आगे की भागीदारी के खिलाफ चेतावनी देता है। टूम्स
गलती से ब्राइस को उनके एक हथियार से मार देता है और सुल्तस नया शॉकर बन जाता है। पार्कर और नेड एक साथ हथियार का अध्ययन करते हैं जो ब्राइस ने पीछे छोड़ दिया, जिससे उसका परिवार हटा दिया गया। जब सुल्तस पर एक ट्रैकिंग डिवाइस मैरीलैंड की ओर जाता है तो पार्कर डेक्थलॉन टीम में फिर से शामिल हो जाता है और उनके साथ उनके राष्ट्रीय टूर्नामेंट के लिए वाशिंगटन DC जाता है। नेड और पार्कर स्पाइडरमैन सूट में लगाए गए ट्रैकर स्टोर को अक्षम करते हैं और इसकी उत्तरित सुविधाओं को अनलॉक करते हैं। पार्कर टूम्स को DOD ट्रक से हथियार चोरने से रोकने की कोशिश करता है लेकिन अंदर ही फंस जाता है, जिससे वो डेक्थलॉन टूर्नामेंट से चूक जाता है। जब उसे पता चलता है कि पावर कोर एक स्थिर चित्तौर ग्रेनेड है तो वह वाशिंगटन स्मारक के लिए दौड़ता है जहां कोर फट जाता है और नेड और उनके दोस्त को एक लिफ्ट में फंसा देता है। पार्कर उन्हें बचाता है जिसमें उसका सहपाठी भी शामिल है और लीज को कुचल देता है। कुछ दिनों बाद न्यूयॉर्क शहर में स्वार्टेंड आइलैंड फेरी पार्कर टॉम्स के नए खरीदार मैक गॉर्गन को पकड़ लेता है, लेकिन टॉम्स भाग जाता है और एक खराब हथियार फेरी को आधा कर देता है। स्टॉर्क यात्रियों को बचाने में पार्कर की मदद करता है और उसकी लापरवाही के लिए सजा के रूप में उसका मुकदमा जब्त कर लेता है। तो फ्रेंड्स, आगे की स्टोरी जानने के लिए आपको स्पाइडरमैन होमकमिंग इस मूवी को देखना होगा। तो फ्रेंड्स, अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हैं तो फ्रेंड्स ये अमेज़ॉन प्राइम पर अवेलेबल है, बट आपको इस मूवी को देखने के लिए 69 रुपीज़ पे करना होगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस कर ऑल को सेलेक्ट कर सकते हैं, जिससे हमारे आने वाली हर एक नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे और आप हमारे चैनल से जुड़े रहें और हमारे वीडियो में बने रहें। और फ्रेंड्स, आप हमारे वीडियो को अंत तक जरूर देखें और हमारे वीडियो को देखते रहें। हे फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्पाइडरमैन होमकमिंग मूवी के बारे में। तो फ्रेंड्स, इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में बात करें तो फ्रेंड्स, इस मूवी को IMDb ने 7.4 आउट ऑफ 10 रेटिंग दिया है और इसे 82% गूगल यूजर्स ने भी लाइक किया है। तो फ्रेंड्स, स्पाइडरमैन होमकमिंग ये 2017 की अमेरिकन सुपर हीरो फिल्म जो कि बेस्ड है मार्वल कॉमिक पर सेम कैरेक्टर स्पाइडरमैन पर। तो फ्रेंड्स, इस मूवी को डायरेक्ट किए हैं जॉन वॉट्स और इस मूवी को में स्क्रीन प्ले दिए हैं जॉनथन गोल्डस्टीन, जॉन फ्रांसिस डेले, जॉन वॉट्स, क्रिस्टोफर फॉर्ड, क्रिस मैककेनन, इर्क सॉमर्स और इस मूवी में स्टोरेज ये हैं जॉनथन गोल्डस्टीन, जॉन फ्रांसिस डेले और ये मूवी बेस्ड है स्पाइडरमैन जो कि स्टेली स्टीव डिटको की है और इस मूवी को प्रोड्यूस किए हैं केविन फोएग, फेजी एमी पास्केल और इस मूवी की स्टारिंग है टॉम हॉलैंड, माइकल कीटन, जॉन फेवरियो, ग्विनेथ पाल्ट्रो, जेंडाया, डोनाल्ड ग्लोवर, जैकोब बैटलॉन, लॉरा हैरियर, टोनी रेवोलोरी, बुकिम वर्ल्डबाइन, टाइन डेली, मैरसा टोमी, रॉबर्ट डॉन जूनियर और इस मूवी को सिनेमेटोग्राफी किए हैं सेल्वेटोर टोटिनो और इस मूवी को एडिट किए हैं डैन लेबेंटेल, डेबी बर्मन और इस मूवी में म्यूजिक दिए हैं माइकल गियाचिनो और इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी है कोलंबिया पिक्चर्स, मार्वल स्टूडियोज, पास्केल पिक्चर्स और इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट की है सोनी पिक्चर्स रिलीजिंग और ये मूवी 28 जून 2017 को हॉलीवुड में रिलीज़ हुई और 7 जुलाई 2017 को यूनाइटेड स्टेट्स में रिलीज़ हुई और इसका रनिंग टाइम रहा 133 मिनट्स और ये यूनाइटेड स्टेट्स की इंग्लिश लैंग्वेज वाली मूवी है जो कि $175 मिलियन में बनी और इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन $880.2 मिलियन रहा। तो फ्रेंड्स, इस मूवी की कास्ट के बारे में बात करें तो फ्रेंड्स, हमें इस मूवी में टॉम हॉलैंड एज पीटर पार्कर और स्पाइडरमैन के रोल में नज़र आए और माइकल कीटन एज एड्रिन टोमेस और वल्चर के रोल में नज़र आए और जॉन फेवरियो एज हैप्पी हॉगन के रोल में और ग्विनेथ पैल्ट्रो एज पीपर पोट्स के रोल में और जिंडाया एज मिकेला के रोल में और डोनाल्ड ग्लोवर एज एरोन डेविस के रोल में और जैकोब बैटलॉन एज नेट के रोल में और लॉरा हैरियर एज लीज के रोल में और टोनी रिवॉलरी एज फ्लैश के रोल में और बुकिम वुडबाइन एज हर्मन स्कल्ट्स और सॉकर के रोल में और टाइनी डेली एज एनी मैरी होज के रोल में और मैरिसा टॉमी एज मे पार्कर के रोल में और रॉबर्ट डॉनी जूनियर एज टोनी स्टार्क और आयरन मैन के रोल में।
तो फ्रेंड्स आपको ये वीडियो कैसी लग रही है? अगर अच्छी लग रही है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और बुरी लग रही है तो ज़रूर डिसलाइक कर सकते हैं। तो चलिए इस मूवी की स्टोरी के बारे में जानते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि मैं आपको इस मूवी का टोटल स्टोरी इस वीडियो में नहीं बताने वाला हूं। तो फ्रेंड्स स्टोरी स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स 2012 में न्यूयॉर्क की लड़ाई के बाद एड्रियन टोमस और उनकी बचाव कंपनी को शहर को साफ करने के लिए अनुबंधित किया गया है, लेकिन उनके संचालन को नुकसान नियंत्रित विभाग DODS द्वारा लिया गया है, जो टोनी स्टार्क और ओरो के बीच एक साझेदारी है। अमेरिकी सरकार व्यवसाय से बाहर किए जाने पर क्रोधित टॉम्स ने अपने कर्मचारियों को चितौरी तकनीकी को रखने के लिए राजी किया, जिसे वे पहले से ही परिमार्जन कर चुके हैं और इसका उपयोग उन्नति हथियार बनाने और बेचने के लिए करते हैं, जिसमें एक उड़ने वाला गिद्ध सूट भी शामिल है। इसका उपयोग टॉम्स चितौरी बिजली कोशिकाओं को चुराने के लिए करता है। 8 साल बाद पीटर पार्कर को बर्लिन में एक आंतरिक विवाद में मदद करने के लिए स्टार्क द्वारा एवेंजर्स में शामिल किया गया है, लेकिन मिडटाउन स्कूल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में अपनी पढ़ाई फिर से शुरू करता है जब स्टार्क उससे बताता है कि वह अभी तक नहीं है कि एक पूर्ण बदला लेने वाले बनने के लिए तैयार। पार्कर स्पाइडरमैन के रूप में अपने अपराध से लड़ने वाली गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए अधिक समय बिताने के लिए अपने स्कूल की शैक्षणिक डेक्टाथलॉन टीम छोड़ देता है। उसका सबसे अच्छा दोस्त नेड अतः उसकी गुप्त पहचान का पता लगाता है। पार्कर टूम्स के सहयोगियों जैक्सन ब्राइस सॉकर और हरमन सुल्तस को स्थानीय अपराधी ऑरन डेविस को हथियार बेचते हुए देखता है। पार्कर डेविस को गीत के सूट में टॉम्स द्वारा पकड़े जाने से पहले बचाता है और एक झील में गिरा दिया जाता है, जो उसके सूट में बने पैरासूट में उलझने के बाद लगभग डूब जाता है। उसे स्टार्क द्वारा बचाया जाता है, जो पार्कर को दिए गए स्पाइडरमैन सूट की निगरानी कर रहा है और उसे अपराधियों के साथ आगे की भागीदारी के खिलाफ चेतावनी देता है। टूम्स गलती से ब्राइस को उनके एक हथियार से मार देता है और सुल्तस नया सॉकर बन जाता है। पार्कर और नेड एक साथ हथियार का अध्ययन करते हैं जो ब्राइस ने पीछे छोड़ दिया, जिससे उसका परिवार हटा दिया गया। जब सुल्तस पर एक ट्रैकिंग डिवाइस मैरीलैंड की ओर जाता है तो पार्कर डेक्थलॉन टीम में फिर से शामिल हो जाता है और उनके साथ उनके राष्ट्रीय टूर्नामेंट के लिए वाशिंगटन DC जाता है। नेड और पार्कर स्पाइडरमैन सूट में लगाए गए ट्रैकर स्टॉर को अक्षम करते हैं और इसकी उत्तरित सुविधाओं को अनलॉक करते हैं। पार्कर टूम्स को DOD ट्रक से हथियार चुराने से रोकने की कोशिश करता है, लेकिन अंदर ही फंस जाता है, जिससे वो डेक्थलॉन टूर्नामेंट से चूक जाता है। जब उसे पता चलता है कि पावर कोर एक स्थिर चित्तौर ग्रेनेड है, तो वह वाशिंगटन स्मारक के लिए दौड़ता है, जहां कोर फट जाता है और नेड और उनके दोस्त को एक लिफ्ट में फंसा देता है। पार्कर उन्हें बचाता है, जिसमें उसका सहपाठी भी शामिल है, और लीज को कुचल देता है। कुछ दिनों बाद न्यूयॉर्क शहर में स्वार्टेंट आइलैंड फेरी पार्कर टॉम्स के नए खरीदार मैक गॉर्गन को पकड़ लेता है, लेकिन टॉम्स भाग जाता है और एक खराब हथियार फेरी को आधा कर देता है। स्टॉर्क यात्रियों को बचाने में पार्कर की मदद करता है और उसकी लापरवाही के लिए सजा के रूप में उसका मुकदमा जब्त कर लेता है। तो फ्रेंड्स आगे की स्टोरी जानने के लिए आपको स्पाइडरमैन होमकमिंग इस मूवी को देखना होगा। तो फ्रेंड्स अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हैं तो फ्रेंड्स ये अमेज़ॉन प्राइम पर अवेलेबल है, बट आपको इस मूवी को देखने के लिए 69 रुपीज़ पे करना होगा। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस कर ऑल को सेलेक्ट कर सकते हैं, जिससे हमारे आने वाली हर एक नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे और आप हमारे चैनल से जुड़े रहे और हमारे वीडियो में बने रहे। और फ्रेंड्स आप हमारे वीडियो को अंत तक जरूर देखें और हमारे वीडियो को देखते रहें।